आप अच्छी चीजें डालोगे तो अच्छी निकलेंगी, बुरी चीजें डालोगे तो बुरी निकलेंगी। माइंड को हमारे को नहीं पता होता ये अच्छा है ये गलत है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों कैसा डालते हैं। तो अच्छा है, हमको अच्छा ही चीज डालना चाहिए, अच्छी नहीं डालोगे तो दोस्तों बुरी ऑटोमेटिक निकलती है। सोच के बारे में इतना जबरदस्त बयान किया है, आप इसको समझते हैं, सीखते हैं, अपने ऊपर फॉलो करते हैं तो आप भी बदल सकते हैं। सोच के ऊपर अगर मैं एक कहानी सुनाऊं आपको तो मेरे को बड़ा अच्छी लगती है, देखिए सोच का कैसे फर्क पड़ता है। एक मेंढक था, एक सांप था, दोस्तों आपस में दोनों में बहस चल रही थी। बहस ये चल रही थी, सांप बोल रहा था मेरे में जहर ज्यादा है और मेंढक बोल रहा था मेरे में जहर ज्यादा है। तो जब बहस होती है दोस्तों, कोई किसी से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होता है, हारने के लिए तैयार नहीं कोई। तो उसने बोला तो ऐसा है, आप मान नहीं रहे तो प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं किस में जहर ज्यादा है। तो प्रैक्टिकल बोला करते हैं, तो इसमें बोला तीसरा जज कौन रहेगा। बोला 10 जज के लिए कोई मिल नहीं रहा था, तो ऐसा करते हैं, जब सांप ने बोला तू काटेगा तो मैं देखूंगा, मैं काटूंगा तो तू देखेगा, हम आपस में अपोजिट में एक दूसरे के जज रहेंगे। दोनों राजी हो गए बिल्कुल, बोला ठीक है। तो पहले किसने काटा था, मतलब सांप ने काटा था, और जज कौन रहा, मेंढक। जैसे ही एक व्यक्ति झाड़ियों से चल के आ रहा दोस्तों, और जैसे ही उसको सांप ने काटा और तैसे ही वो व्यक्ति नीचे झुका, रही किसी ने काट लिया, और वहीं पे ठैक से दोस्तों मेंढक ने जंप मारी, क्योंकि मेंढक जज था उस टाइम। तो उसने क्या देखा, अरे इस मेंढक ने काट लिया और कुछ नहीं हुआ, आगे निकल गया, निकल गया। फिर उसके जज कौन रहेगा, अभी सांप। अब दूसरा व्यक्ति ऐसे ही चल के आ रहा दोस्तों, और जैसे ही उसको किसने, मेंढक ने काटा, और आदमी ने समझा, रही किसी ने पैर में काटा है, और जैसे ही वो नीचे झुका तो वहीं सर 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 करके घास में सांप निकला। तो उसके दिमाग में चढ़ गया कि यार ये सांप ने काट लिया, और कुछ देर बाद वो आदमी खत्म हो जाता है। आप दोस्तों आप आइडिया लगा सकते हो जहर किस में ज्यादा है, बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे ही दोस्तों हमारे ये हकीकत में माइंड काम करता है, हम जैसे सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। सोच का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, और सोच इतनी आसानी से नहीं बदलती है, इसके लिए आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। जैसे इसमें फॉलो चेंज योर लाइफ इन 30 डे, आप 30 डे नहीं कम से कम 21 दिन तक दोस्तों प्रैक्टिस करिए, आपकी बदलाव आएगा। और ये जब बदलाव आता है अंदर से, तो आपके घर वाले, आपके परिवार, रिलेटिव, खानदान, आपको हर तरीके के लोग समझाने के लिए आएंगे, क्योंकि जब आप बदलाव आता है तो अंदर से सब कुछ बदलता है हमारे अंदर। भगवान ने और कहते नहीं, इसमें बताया गया था, जो चीजें हमको एक तो फ्री में मिलती हैं उस चीज को हम वैल्यू नहीं देते हैं। आप प्रैक्टिकल अपने लाइफ में आसपास देख लीजिए, जब लोगों को दहेज में हमने देखा है, अपने गांव की बात बताऊं, अपने आसपास की बात बताऊं, दहेज में जिनको मोटरसाइकिल कार मिलती है ना दोस्तों, उसके 1 साल के अंदर उसके ढकना ढीले कर देते हैं। कारण क्या है, उनकी वैल्यू नहीं उन्होंने समझी, तो उनको फ्री का समझा है। वैसे ही हमको ये माइंड है बचपन से पैदा होते ही मिलता है दिमाग, और जिसमें सब कुछ भरा होता है, ये फ्री का है, तो इसको हम वैल्यू नहीं समझते। कुछ लोगों के दिमाग में ये आता है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं कैसे कर सकता हूँ, वो ज्यादा पढ़ा लिखा है। दोस्तों हकीकत बता रहा हूं, जब इसकी आप वैल्यू समझ जाएंगे, आप पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे कम पढ़े लिखे हैं, और वो पैसा इतना कमाते हैं, पढ़े लिखे को हायर करके उनसे सारा काम कराते हैं, वो सलाह देते हैं, उनको एडवाइस भी देते हैं, गाइड करते हैं, बोला ऐसे नहीं ऐसे काम करिए। इस सोच को बदलना बहुत जरूरी है, और सोच ऐसे इतनी आसानी से नहीं बदल, इसके लिए आपको अलग थलग सब कुछ रहना पड़ेगा, करना पड़ेगा। यानी भीड़ ज्यादातर क्या चलती, ज्यादा लोग उस तरफ चलते हैं, ज्यादा लोग चलते हैं। आप अकेले चलने कहते नहीं, जो इंसान अकेले चलने की आदत डाल लेता है, अकेले चलने की ताकत रखता है, एक दिन उसके पीछे कारवां होता है। मैंने भी इस बिजनेस को जब किया था, हमारे परिवार रिलेटिव सब दोस्तों हकीकत बताऊं खिलाफ थे, कॉल भी ज्यादा नहीं करते थे, क्योंकि वो बोले कॉल करूंगा तो ये ज्यादातर अपनी बिजनेस समझाने लगेगा, क्योंकि हमारी कहीं से भी बात चलती थी लास्ट में घूम फिर के वही बिजनेस आ जाती थी, इसलिए कॉल करना रिश्तेदारों ने कम कर दिया।
क्योंकि हमारा हम उस प्रोफाइल से बिलोंग करते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे पिताजी ने दोस्तों हमेशा ब्याज पे पैसे लिए के काम किया है, यानी जिंदगी भर ब्याज दिया है। और मैं दोस्तों अपनी कहानी बताऊं, मैं 9th क्लास में गया था तो फुल पैंट पहनने को मिला था। आप आइडिया लगा सकते हो दोस्तों, कोई बिलीव नहीं करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो क्योंकि पिताजी जब ब्याज पैसा लाते थे और जब पैसा खेत में काम करते तो बोला इतनी की फसल हो जाती, सोचते थे 5,000 की हो जाएगी, वो होती थी 3,000 की, तो ब्याज ही नहीं निपट पाता, तो कपड़े नहीं भी नहीं बनते थे। उस कंडीशन से गुजरे हैं। और बचपन में मैं सोचता था कभी पैसा कमाऊंगा तो ब्याज पे नहीं दूंगा दोस्तों, ये सोच थी। फौज में नौकरी किया दोस्तों, किसी को 100 रुपए तक ब्याज के नाम पे नहीं दिया, और आज भी उस सोच का प्रतिज्ञा है, मेरा संकल्प है किसी को ब्याज के नाम पे दूंगा नहीं। यहाँ तक कि वैसे दिए हैं दोस्तों, कुछ मिले कुछ नहीं मिले, वो सबके साथ ऐसा होता है और होता रहेगा। सोच इतनी बड़ी चीज है दोस्तों, हकीकत बता रहा हूं, आप कुछ भी कर सकते हो सोच के दम पर। सोच के साथ साथ फिर जैसे ही आप सोच बदलती है, आदत बदल जाती है, फिर हमारा शरीर आदत में पड़ जाता है। ऐसी अच्छी चीजें डाले तो फिर वो आदत बढ़ जाती है। जैसे आप बिजनेस में प्लान दिखाने नहीं जाओगे तो ना दिखाने की आदत पड़ गई, अब दिखाने जाओगे तो दिखाने की आदत पड़ जाएगी। अगर टीवी देखोगे तो टीवी देखने की आदत पड़ जाएगी, टीवी नहीं देखोगे तो नहीं देखने की आदत पड़ेगी। अगर देखने की आदत पड़ गई तो दोस्तों मैच चल रहा है तो हम पूरे दिन मैच ही देखते रहेंगे। आप बताओ पैसा किसके पास जाना आएगा, जो बिजनेस फील्ड में निकलेगा। संतोष नायर का एक ऑडियो वीडियो है दोस्तों, आग ही आग, मैं बता रहा हूं, जिसने 1 घंटे से ऊपर का थोड़ा जिसने सुन लिया ना, मुर्दे में भी जान डाल देता दोस्तों। उस वीडियो सुन के भी मेरे अंदर आग लगी थी, यार दोस्तों मैं भी पैसे कमा सकता हूँ, ये शख्स वहां से उठ के कहाँ जा सकता है। उसकी स्पीच में बहुत दम है, बहुत ताकत है दोस्तों, मतलब अंदर से एक भूचाल ला देता है वीडियो। मगर हम क्या है, सुनते नहीं है। अगर वो सुन लिया, अगर सुनते हैं तो ऐसे सुनते हैं, वीडियो भी चल रहा है, टीवी भी चल रही है, घर में बात भी चल रही है, तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला दोस्तों। आप एकांत में ये चीजें सुनने की कोशिश करो, यहाँ आपको डिस्टर्ब नहीं होता है, आप ये चीजें माइंड आपका रीड करता है, एक्सेप्ट करता है, धीरे धीरे बदलाव आता है। लोग दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, अपने आप को नहीं बदलते। आप अपने आप लाइए, क्योंकि आप बदलोगे तो आपके पड़ोस के लोग बदलेंगे, आपका गांव बदलेगा, आपके रिश्तेदार बदलेंगे, फिर लोग बदलेंगे। आप सोचें हम दूसरे को बदलना है, अगर आप दारू पी रहे हैं तो आप छोड़ सकते हो, दूसरे को नहीं छोड़वा सकते दोस्तों। आपको देख के ऑटोमेटिक लोग बदलते हैं। मेरे साथ एक कंपनी में कुछ लोग ऐसे आए थे दोस्तों, बीड़ी सिगरेट बहुत पीते थे, हकीकत बता रहा, मगर उनकी मैडम इस बात से खुश थी, बोला पैसा कमाया नहीं कमाया अलग की बात रही, मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है, इनकी बीड़ी और सिगरेट छूट गई। बताइए कितना बड़ा फायदा हुआ। ये एक व्यक्ति कम से कम सिगरेट की डिब्बी 4 पी जाता था, और आज की सिगरेट मेरे ख्याल से 40-50 रुपए की आती होगी। उसकी कानपुर में टायर की एजेंसी थी दोस्त, अब वो उसकी मैडम सिर्फ इस बात से खुश थी इसकी सिगरेट छूट गई। अब बताओ ये चीजें छूट गई तो उसकी शरीर सही रहेगा कि नहीं रहेगा। और ये सब कहाँ होता है दोस्तों, ये नेटवर्क मार्केट में, ये सारा चीज कोई प्रेशर नहीं देता है, कोई दबाव नहीं देता है, ये संगत का असर आता है दोस्तों। जैसी करते हैं संगत वैसी रंगत आती है। यहाँ बुकों में ऐसा लिखा है, किसी के घर पे जाते हैं तो किस ड्रेस कोड में जाना चाहिए, आप तंबाकू खा रहे तंबाकू नहीं खाना चाहिए, बीड़ी सिगरेट पी रहे तो बीड़ी सिगरेट पी के नहीं जाना चाहिए किसी के, दारू पी रहे तो दारू पी के नहीं जाना चाहिए किसी के घर पे। ये हमारे भी ये सिस्टम सिखाता है। और दोस्तों मेरे जैसा फौजी आदमी जो फौज में पी लेता था, आज इस बिजनेस में आने के बाद ये सारी चीजें छूट गई, बताओ अच्छा हुआ कि नहीं हुआ मेरे जैसे के साथ। तो ये प्लेटफॉर्म इतना जबरदस्त है, इतना बढ़िया है, हकीकत है, अपने आप को बदलो और फील्ड में निकलो। परेशानियां संघर्ष हर जगह आती है, अपने आप को एक बार चेंजमेंट कर दिया, एक बार लाइफ सेट कर दिया तो आप सेट हो जाएंगे।
अपने आप को चेंज कर दो, पैसा तो फिर बाई प्रोडक्ट आने लगता है। और कहते नहीं, हम अपना माइंड को इसमें बताया, ज्यादा से ज्यादा 10% लोगों ने माइंड को इस्तेमाल किया। हम शायद, हम लोग आम आदमी हैं तो 2.5 से 3 ही% इस्तेमाल करते होंगे। योगेश जी ऐसा ही है क्या? माइंड के अंदर इतना पावर है, बता रहे जो भगवान थे उन्होंने 50% तक दिमाग को इस्तेमाल किया, आज इतिहास में उनका नाम लग गया, आज भी सदियों से नाम चला आ रहा है। माइंड का पावर बहुत है। तो दोस्तों अभी मैं एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूं दोस्तों, जिसने पीएलसी क्लासिक को स्वैप नहीं किया, स्वैप कर लें, उसमें बहुत अच्छा चीज है, क्योंकि आपका आज की रेट में रेट मेरे ख्याल से 380 यूएसडीटी या 400 के आसपास चल रहा है। अगर उसको आप स्वैपिंग करते हैं तो आपकी वैल्यू 20,000 यूएसडीटी के हिसाब से उसी टाइम कन्वर्ट हो जाती है। जो बहुत सारे लोग नहीं आते हैं, वो सिर्फ वही देखते रहते हैं, हमारा क्लासिक का ये रेट है, क्लासिक का ये रेट। उनको, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता ये स्वैपिंग का भी ऑप्शन है। अगर स्वैप करते हैं, आपका पहली साल के लिए 2% आता है, दूसरी साल के लिए आता है 5%, तीसरी साल आता है आपको 10%, चौथी साल 20% और पांचवी साल 63% आता है। यानी आपने एक खरीद के भी पीएलसी क्लासिक कर दिया दोस्तों, जिसने एक तक, तो आज की रेट हम पर मंथ है, यानी 2% आता जरूर है, मगर उसको भी एक, ऐसा नहीं एक साल में एक ही बार आएगा, उसको भी डिवाइड कर दिया जाता है 12 महीने में, और 12 महीने में डिवाइड कर दिया जाता है। तो पहले महीने का एक पीएलसी आप करते हैं स्वयं, तो 28 से 3 हजार रुपए के आसपास पर मंथ आ रहा सॉरी, जब आइडिया लगा सकते हो आप, जब आप एमआईएस वगैरह करते हैं दोस्तों, 5 लाख करेंगे तो आपको कितना मिलता है, उसमें मिलता है दोस्तों 25 से 2600 रुपए पर मंथ। तो उससे ज्यादा यहाँ आपको एक पीएलसी क्लासिक में मिल रहा है। अगर आपका थोड़ा बहुत कम है, अगर आपके पास जो मिंटिंग होके आ रहा है एक नहीं बन रहा है, थोड़ा बहुत आप खरीद के भी उसमें डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि खरीद के नहीं डाल सकते हैं, कुछ लोगों को यही डाउट है कि हम खरीद के डाल सकते हैं नहीं डाल सकते हैं। दोस्तों आप खरीद के भी डाल सकते हैं, और कुछ लोगों को ये डाउट है, सर मेरा 12 महीना तक ये मिंटिंग तो खत्म हो जाएगी, फिर हमारे वैलेट फार्म का क्या होगा? दोस्तों आपका वैलेट कहीं नहीं जाएगा, आपका 12 महीने खत्म हो जाएगा। आपका एसेट अगर वैलेट में पड़ा है तो 12 महीने के बाद भी वर्क करेगा, 12 महीने के बाद भी विड्रॉल लगा सकते हैं उससे। ऐसा नहीं है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपका खत्म हो गया, आपका वैलेट एक्सपायर हो गया, वैलेट आप अगले 2 साल रखें, 4 साल रखें, आपकी मर्जी है, आपके ऊपर निर्भर करता है, मगर उसके लिए कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन है, वो जरूर ध्यान में रखना है। एक तो पिन नहीं भूलनी है, दूसरी अपनी ईमेल आईडी नोट करके रखना है, तीसरा वो बार कोड वगैरह है, आपने फिजिकल निकाल के रखना है, क्योंकि मोबाइल के साथ कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है, हादसा हो सकता है। अगर ये चीजें आपने रखी हैं तो मोबाइल आपका गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, रिसेट हो जाता है, फूट जाता है, तो आप दूसरे मोबाइल में आपका पूरा एसेट आ जाएगा, चाहे आपका 1,000 रुपए का है, चाहे 1 करोड़ का है। अगर ये चीजें आपने संभाल के नहीं रखी हैं दोस्तों, चाहे आपका 1,000 का है, चाहे 1 करोड़ का है, उसको भूलना पड़ेगा, आप भूल जाइए। और बहुत सारे लोगों का दोस्तों अभी भी जो कंपनी के तरफ से पीएलसी में आपको मैक्स लोड बढ़ा हुआ मिला था, चाहे किसी ने 110 यूरो का फार्म लिया हो, चाहे 275 यूरो का फार्म लिया हो, चाहे 1100 यूरो का लिया हो, दोस्तों हर किसी के टीम में ऐसे लोग होंगे जिनको जो कंपनी ने मैक्स लोड दिया था एक्स्ट्रा, तो उनका अभी तक खाली पड़ा होगा, हकीकत बता रहा हूं, क्यों उनको कोई लेना ही देना नहीं, वो किसी दूसरी कंपनी में भी चले गए और वो उस चीज का ध्यान नहीं रख रहे हैं। मेरी टीम के खुद हैं दोस्तों, कल दो कॉल आते, दो लोगों के सॉरी, जब मैंने उनको चेक कराया तो उनका मैक्स लोड खाली पड़ा है। तो ये क्यों हो पा रहा है? लापरवाही दोस्तों, सिस्टम में पैसा तो लगा दिया, सिस्टम से कनेक्ट नहीं है। अगर किसी ने ग्रुप में ज्वाइन भी कर दिया, ग्रुप में जो मैसेज आते हैं कुछ लोग देखते ही नहीं, इग्नोर मार देते हैं। इसलिए आप ग्रुप को ऐसा बनाइए
उसमें नॉर्मल इंफॉर्मेशन जाएगी, फालतू नहीं है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जन्मदिन की, शादी की सालगिरह और भगवान की फोटो 50 ऐसे डालते रहोगे। ऐसे ग्रुप को ना बनाए, उसमें वार्निंग डालें, हिदायतें डालें। ग्रुप में सिर्फ लिमिटेड मैसेज डालें जो मोटिवेशन हो और कंपनी से इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हो, क्योंकि बहुत सारे मैसेज हो जाते हैं, लोग इग्नोर मार देते, नहीं पढ़ते सुनते। ये सेफ्टी प्रिकॉशन आपने रख लिया, इसमें फायदा उठा सकते हो। जिस दिन दोस्तों इसका 1 लाख USDT पहुंच जाएगा, फिर आप अपना वॉलेट घूमते फिरेंगे, ढूंढेंगे कहाँ है कहाँ नहीं है। उस टाइम आपका वो बारकोड नहीं मिलेगा, आपका पिन भूल जाएंगे, फिर सोचेंगे काश मेरा उतना आज वैल्यू इतनी है। अब वो फिर आप गुणा भाग्य लगा के आपको संतुष्टि करनी पड़ेगी, उससे मिलने वाला फिर कुछ नहीं है। जैसे आपने सुना होगा कुछ दिन पहले एक अमेरिका के व्यक्ति के बहुत सारे बिटकॉइन थे उसमें, और उसमें वो पिन भूल गया था, और उसने रिसेट मतलब मार रहा था, नहीं हो रहा था, और उसके वो कई करोड़ रुपए के थे, नहीं मिल पाया, चला गया। जैसे ही आप वो पिन भूल गए तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। और कुछ लोग तो सीधा फिर दोष देने लगते हैं दूसरे को, मेरे को अपलायन ने कुछ बताया ही नहीं था, ऐसा ही बताया ना। दोस्तों अगर आपने भी पैसा लगाया, कुछ तो जिम्मेदारी खुद की भी है कि इसको पूछो इसके सेफ्टी प्रिकॉशन क्या है। तो अभी आपको मौका है दोस्तों स्वीप करने के लिए, जबरदस्त इनकम आती है। एक ट्रिप आपने अगर 3 PLC वेब खरीद के कर दिया, एक आज की डेट में खरीद के भी करते हो, तो मेरे ख्याल से लगभग लगभग 32,000 के आसपास एक बन रहा है। यानी 1 लाख में आपके 3 PLC क्लासिक आपके स्वीप हो सकते हैं, जो 1 लाख का अगर कर देते हो तो दोस्तों आज की डेट में 9,000 रुपए के आसपास मंथली आपकी इनकम हो जाएगी, जिसको बोलते हैं एक पैसिव इनकम आपको मोबाइल बना के देने लगेगा। वो पर मंथ आप विड्रॉल मार सकते हैं, सेल आउट करके अकाउंट में ले सकते हैं। अगर यही रेट रहता तो, अगर इसका 50% जैसे कंपनी ने बोला 10,000 USDT से कम नहीं आएगा, अगर 10,000 USDT भी आ जाता है तो आपको कितना 4,500 रुपये आएगा। यहाँ से आपका अगर 20,000 USDT चला जाएगा तो 18,000 रुपये भी पहली साल पर मंथ इनकम हो गई। दूसरी साल इससे 2.5 गुना हो जाएगी दोस्तों। तो आइडिया लगा सकते हो कितनी बड़ी इनकम आ सकती है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं दोस्तों, कंपनी मजबूत है, घबराने की जरूरत नहीं। आने वाले समय में इससे बहुत पैसा कमाएंगे। कुछ फर्जी डुप्लीकेट कंपनियों से, डुप्लीकेट ब्लॉकचेन से बच के रहिए दोस्तों। बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास भी होंगे जिनके पास 1 लाख रुपए हुए नहीं, और उन्होंने भी बोल दिया 25,000 का सॉफ्टवेयर बना दिया, और बोल दिया सर मैंने भी एक ब्लॉकचेन पे कंपनी लॉन्च कर दिया और यहाँ से बिजनेस स्टार्ट कर दी। ऐसे झांझे में मत पड़िए। और वो बोलते हैं आप एक ज्वाइनिंग लगाइए, आपको 100% पूरा निकल आएगा। वो दोस्तों कितने दिन निकलेगा? 1 महीने तक निकलेगा, उसके बाद किसी का अता पता दिखाई नहीं देगा। इसमें बहुत सारे लोग होंगे जहां लॉस उठा चुके होंगे ऐसी कंपनियों में, मैंने भी उठाया था। ये कंपनी 7वीं साल चल रही है, मजबूत है, टिका हुआ है दोस्तों। एलेक्स सर जो दुनिया में पहले एक इंसान है, 21,000 से ज्यादा मार्केट में कॉइन है, लाइफ हमारे सामने आते हैं, अपना विजन आगे का क्या है प्लानिंग वो सारी हमारे सामने रखते हैं। ऐसा कोई फाउंडर, कोई कंपनी का CMD कोई नहीं है जो हमारे सामने अपने प्रोडक्ट को लेके अपने सामने आता हो आपके, और बताता हो हमारी कंपनी का ये प्लान है, ये इसका विजन है, आने वाले समय में क्या क्या करेंगे। योगेश जी अभी संजू सर आ गए क्या? योगेश जी मेरी आवाज आ रही है? सर ये जो स्वैपिंग वाला यूनिट है, योगेश भाई को बोलो एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ अच्छा मैं लाइव दिखा दूं क्या इसको? एक बार मैं ही दिखा देता हूं, बताओ। योगेश जी की आवाज दिखा नहीं आ दो, रही। आप दिखा दो। चलिए दोस्तों मैं स्वैपिंग वाला आपको एक लाइव दिखा देता हूं, और आपको जिसको नोट करना है तो दोस्तों नोट कर सकते हो। आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, इतना आसान है, इतना जबरदस्त है, बहुत बढ़िया है। तो मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ लाइव कैसे स्वैपिंग करते हैं। सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हेलो, हाँ हो रही है सर, हो रही है।
ओके सर, थैंक यू। अब यहाँ पर जैसे ही साइट खोलते हैं, आप अपनी डैशबोर्ड पे साइट डालिए। अब यहाँ पर ध्यान देना, आप एक डुप्लीकेट वाली साइट आती है, जैसे ऐड लिखा है ना, वो डुप्लीकेट वाली है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये वाली ओरिजिनल है। और नहीं तो इसको आप होम पेज पे, अभी इसको आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर लॉगिन करना है, यहाँ आप अपनी ईमेल आईडी डालिए और पासवर्ड डालिए। आपने गूगल ऑथेंटिकेटर वगैरह लगा रखा है, वो गूगल ऑथेंटिकेटर पे ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी डालिए और आपकी आईडी ओपन हो जाएगी। ये इंफॉर्मेशन आती रहती है कंपनी की, इसको क्रॉस पे टच करेंगे ये हट जाएगा। आपने फिर कहाँ जाना है, अकाउंट सेटिंग में जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे अकाउंट सेटिंग में। फिर आपका ये इस टाइप का डैशबोर्ड खुलेगा, ऊपर से पांचवें नंबर देगी, पहले प्लेटिन वर्ल्ड, अल्टिमा फार्म, अल्टिमा कैशबैक, पीएलसी वैक्स और पीएलसी अल्टिमा करके आता है, पीएलसी अल्टिमा करके लिख के आता है पांचवें नंबर पे। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका इंटरफेस इस टाइप का खुल के आता है। तो आपको इसमें देख सकते हो, आप हमने जो कर रखा था उसका आपको एक बार पहले दिखा देता हूँ, फिर हम एक लाइव भी डेमो दे देंगे आपको कैसे स्वीप करते हैं, और उसका इंस्टेंट कमीशन आ जाएगा। जैसे यहाँ पर अभी देख सकते हो पे आउट में जीरो है, और जैसे इसमें हमने 15.05 पीएलसीयू कर रखा है, इसका हमको कमीशन कितना आया वो सारा कुछ आपको दिखा रहा है अलग अलग बेस में। जैसे हमने 0.05 को किया था वो इतना आया, अब जैसे टोटल पे आउट पे आपको दिखा देते हैं, ये हमारा कमीशन इतना आया। तो 15.05 का 0.025, और ये हमने विड्रॉल मार दिया था, ये विड्रॉल हिस्ट्री का है। मगर जब आप करेंगे महीने का, देखिए आपको दिखाता हूं, आप ये देखिए 10 पीएलसी का जो हम दिखा रहे हैं, यहाँ शॉप पे क्लिक करेंगे डिटेल आ जाएगी पूरी। ये देखिए पहले महीने का कितना बना, आप देख सकते हो 10 पीएलसी को दिखा रहा है 0.01666। ऐसे ही करके हर का, ये पूरे पहली साल का है, दूसरी साल में ये है, आप देख सकते हो जो हमारा इंडिकेट है कर्सर घूम रहा है, 0.5 बनेगा, तीसरी साल में बनेगा इसका 1 पीएलसी, चौथी में 2 पीएलसी, और पांचवी में कितना बनेगा 6.3, यानी 63% आएगा। आप स्वेप कैसे करेंगे वो आपको मैं दिखा देता हूं। आपको जो स्वेपिंग यूनिट लिखा है ना, आप बाई साइड में देखिए जहां मेरा कर्सर घूम रहा है, ये स्वेपिंग यूनिट लिखिए, इस पे आप स्वेपिंग के क्लिक करेंगे, बहुत आसान है दोस्तों और बहुत जल्दी हो जाता है। इस कंपनी ने बहुत जबरदस्त रखा है, ये सारी स्वेपिंग यूनिट खुल जाती है। आपका इसका मिनिमम है 0.01, यानी एक छोटा सा भी आप पैकेज बाई कर सकते हैं, इसमें स्वेप कर सकते हैं। जैसे आप पैकेज बाई करते हैं सेम वही प्रोसेस है, जो भी आप करना चाहते हैं। आप देख सकते हो 0.025, 10, 20। अभी मैं आपको एक 20 का लाइव करके दिखा देता हूं, प्रैक्टिकल जो स्वेप लिखा है उस पर आप क्लिक करिए।
तो एक बार कोड खुलेगा, बार कोड सभी को दिखाई दे रहा है योगेश जी, दिखाई दे रहा है ये? योगेश जी मेरी आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है और स्क्रीन भी शेयर हो रहा है। मेरे ख्याल से योगेश जी अभी वो नहीं है, को होस्ट नहीं है। मैं योगेश को बना देता हूँ, आप कर लीजिए। चलो सर मैं इसमें लाइव आपको, देखिए आपको पॉइंट टू, अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, आप अगर वैलेट से कर रहे हैं तो आप सेंडर से करें, क्योंकि उसमें फीस कटती है 3%। अगर आप पॉइंट्स बिट से कर रहे हैं तो 0.20 ही डालना है, तो उतना चला जाएगा। अगर प्लेटिन वर्ल्ड की डैशबोर्ड से कर रहे हैं तब भी 0.2 डालेंगे, तब भी उतना ही जाएगा। मगर वैलेट से करें, ध्यान देने वाली बात है, मिंटिंग वाली वैलेट से करेंगे तो आपको क्या करना है, सेंडर से करना है। और ये बहुत जल्दी हो जाता है, जैसे अभी मैंने भर दिया, यहाँ दिखा रहा है वेटिंग फॉर ट्रांजेक्शन, अभी यहाँ थोड़ी देर में ही हो जाएगा। मिंटिंग वाले बैलेट से करते हैं, बहुत जल्दी फास्ट होता है। मगर इसमें आप ये भी है, आप तीनों तीन जगह से भी कर सकते हैं, मगर आपका कैलकुलेशन पहले से फिक्स होना चाहिए। हमारा 0.05 बैलेट से जा रहा है, 0.10 कहाँ से जा रहा है, हमारा पॉइंट बिट से जा रहा है, 0.05 हमारा कहाँ से जा रहा है, प्लेटिन बल्ट की आईडी से जा रहा है। तो ये चीजें आपका कैलकुलेशन कॉपी में पहले से होना चाहिए, और आपका तभी पैकेज बाई होगा। आपका एक भी सेंट कम गया तो आपका पैकेज ये बाई स्वैपिंग वाला नहीं होगा, ये ध्यान रखना। मगर आपको यहाँ पर जो मिंटिंग वेटिंग फॉर ट्रांजेक्शन है यहाँ पर शो कर देगा, जैसे यहाँ ट्रांजेक्शन सक्सेस दिखाई दे रहा होगा अभी आपको, सब आप देख सकते हो ट्रांजेक्शन सक्सेस दिखाई दे रहा है आपको। अब पे आउट जो उसका 0.2 का हमारा जो कमीशन बना था, वो पे आउट पहले 0 दिखा रहा था, उसका कितना आ गया, 0.0033। अगर इसको कॉइन स्प्लिट पे आप चेक करके देखते हैं तो उसकी वैल्यू आपको बता देता हूँ कितनी है, जो भी कोस्ट है वो बता सकते हैं। ये चीजें सबको दिखाई अगर दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ओके सर। और इसको हम सर, महीने वाइज देख सकते हैं 0.2 का। आप जैसे हमारा देखिए, ये अभी जो हमने बनाया था ये स्मार्ट कंटेक्ट बना 0.2 का, ठीक है। और इसका 1 मिनट पहले दिखाई दे रहा है, 1 मिनट पहले किया गया है, और पहली साल में कितना आएगा, 0.004 आएगा, दूसरी साल में आएगा 0.01 आएगा, और तीसरी साल में 0.02 आएगा, चौथी साल में इसका 0.04 आएगा, पांचवी साल में आएगा 0.126। और यहाँ शो पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए उसका भी जो 2% आता है हमको डिवाइड कर देता है 12 महीने में, जो पहले महीने का हमारा ये शो कर दिया आपके पास, देख सकते हो 11 जनवरी को, और ये आ चुका है, टिक हो गया। दूसरा इसका कब आएगा, यानी इसका भी 30 डेज का लेता है, क्योंकि 31 की जनवरी है, 30 दिन का ये भी इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, और फिर सेम आ जाएगा। आपको देख सकते हो आप कितनी वैल्यू बन रही है, 520 रुपए दोस्तों अभी के हिसाब से बन रही, बताइए 0.20, 500 रुपए लगा लो, और 0.20 मेरे ख्याल से जी कैलकुलेशन करके निकालना, तो मेरे ख्याल से ज्यादा ज्यादा कितनी आ रही होगी, 4 5 20 और $6, नहीं 20 का, $6 आए हैं सर। $6 है ना, मतलब 500 रुपए के आसपास इसका कमीशन बन रहा है। और 20.20 का क्लासिक की वैल्यू आज की डेट में करंट रेट पे अगर खरीदते हैं तो कितने रुपए बन रहा है, एक सेकंड सर, कैलकुलेट कर रहा हूँ। 12 दूनी 24, मेरे ख्याल से 3,000 के आसपास बनेगा। छह हजार के आसपास हो सकता, 5 6 हजार के, 5 6 हजार के लगा लो, तो उसमें 500 रुपये आज की डेट में पर मंथ आ रहा है। और इतना हम बिडोल मारे तो बिडोल भी चला जाएगा आपका।
इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, किसको बहुत आसान है, बहुत जल्दी हो जाता है, आपने देखा होगा 1 मिनट के अंदर इसमें स्मार्ट कॉन्टेक्ट बन गया। और जब यहाँ पर पे आउट पे क्लिक करेंगे आपको पे आउट पे दिखा देगा, आपको विड्रॉल मारोगे तो यहाँ सक्सेसफुल तुरंत हो जाता है, जैसे हमारे प्लेटिनम मल्टी डैशबोर्ड से होता है। जैसे अभी देखो पे आउट पे हम विड्रॉल मार के वहां पर जाते हैं, जैसे इसको पे आउट पे जाएंगे, ये देखिए सेम ऑप्शन खुल के आया। ठीक है, बैलेट एड्रेस डालिए या मैक्स कर दीजिए और आपका 1 मिनट के अंदर आपका कॉइंस वेट में, और सेल आउट करिए तुरंत अपने अकाउंट में लीजिए। हो सकता है सभी को ये ठीक से समझ में आ गया होगा दोस्तों। नहीं, अगर ठीक से समझ में आ गया, जो आपके रिस्पॉन्सर हैं, आपके जो अपलायन है, जो आपके जिसके बारे में जिसको थोड़ी बहुत टेक्निकल चीजें आती हैं उसके आप पूछ कर क्लियर कर सकते हैं कैसे करना है स्वीप, और ये जितनी जल्दी कर देंगे उतना ही आपको फायदा है दोस्तों। इधर कहाँ से बंद करते हैं, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप ऑफिस में सिर्फ सिर्फ मोटिवेशनल ट्रेनिंग ही नहीं दे रहे हो, आज की डेट में टेक्निकल भी दे रहे हो। तिलक जी, आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज आ रहा है और बदलाव ही इम्पोर्टेंट है, परिवर्तन ही परिणाम लाएगा। दैट्स इट। गुड थैंक यू मॉर्निंग सर, थैंक यू। एवरीवन, वेलकम ऑल टू अवर दिस वंडरफुल जूम सेशन। आप सबका स्वागत है, और हमारे बीच कुछ सीनियर्स भी हैं। आज हमारा टॉपिक क्या होना चाहिए, शायद आप लोगों ने मेरा स्क्रीन देख लिया है। तो सबसे पहले मैं ये देखना चाहता हूं कि अभी हमारी जिंदगी में जितने लोग आज आज कम से कम मेरे ख्याल से अभी इस टाइम जूम पे 994 लोग हैं, आप सबसे एक ही बात कहूंगा कि आप यहां पर इस इंडस्ट्री में किस लिए आए हो। दो चीजें थी हमें बताया गया, एक्टिव इनकम पैसिव इनकम, क्या इसके अलावा क्या था? मैं सिर्फ वन लाइनर में जानना चाहूंगा कि इसके अलावा क्या था कि मैं इस इंडस्ट्री में आया तो एक खास कारण की वजह से आया हूं। तो आप इस इंडस्ट्री में किस लिए आए हो, पैसों के अलावा बात करेंगे ना, एक्टिव इनकम की बात करेंगे ना पैसिव इनकम की बात करेंगे, वन लाइनर में खत्म करना है, कोई इंट्रोडक्शन नहीं देना। आपको सब जानते हैं, स्क्रीन पे सब देख रहे हैं आपको, आपका नाम डिस्प्ले होके ऑलरेडी आ रहा है। तो सबसे पहले मैं अपने सामने राज भाई हैं, राज भाई को होस्ट है, आप अनम्यूट हो जाइए। आप इस इंडस्ट्री में क्यों आए हैं? दैट्स इट। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग संजू सर। सर, मेरा विजन एकदम बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि पैसा तो हर इंडस्ट्री में हर पर्सन कमा सकता है। मुझे डायमंड बनना है। क्यों? क्योंकि पिछले 13 सालों में मैंने जिस भी कंपनी में काम किया वो डायमंड से 2-3 स्टेप नीचे होते होते किसी वजह से वहां से क्विट हो गया। लेकिन इस इंडस्ट्री में मैंने पहले से ठान रखा था कि कुछ मर्जी हो जाए मुझे डायमंड हर हाल में बनना है, क्योंकि डायमंड बनने के बाद जो एक इंसान की जो रिस्पेक्ट बनती है ना, इनकम तो होती ही होती है नो डाउट, लेकिन जो रिस्पेक्ट बनती है, मैंने अपने लिए पूरा मॉड्यूल पहले से तैयार कर रखा है कि जब डायमंड बनूंगा तो मेरी स्टेज पर एंट्री कैसे होगी, उस टाइम सॉन्ग कौन सा हो रहा होगा, ड्रेस Recording क्या in होगी, progress. ड्रेस क्या होगी। कम से कम आधा घंटा तो वो सेलिब्रेशन हुआ कम से कम, क्योंकि वो डायमंड शिप जो होगी, हो सकता है मेरी किसी और की प्रमोशन सेरेमनी में हो रही हो, लेकिन जिस दिन वो मेरी खुद की होगी, क्योंकि वो स्टेज मेरी अपनी होगी और उस दिन ना ही कोई माइक लेने वाला होगा, कम से कम 1 घंटा की स्पीच रहेगी। और लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ, ये दिखाना चाहता हूँ कि 13 सालों की इंडस्ट्री के अंदर मैंने जो सेक्रीफाइसेस किए और जब उसका जब रिजल्ट निकलता है ना डायमंड होने के बाद, तो वो बहुत ही अमेजिंग होता है। जैसे इब्राहिम लिंकन ने बहुत सारे इलेक्शन हारे, लेकिन जब जीते तो सीधा राष्ट्रपति बने। तो मैं भी ये दिखाना चाहता हूँ, डायमंड बनने के बाद एक इंसान की इनकम तो होती ही होती है, लेकिन जो एक ऑरा बनता है उसके रिस्पेक्ट का, वो बहुत ही अमेजिंग होता है। और बहुत जल्दी मैं तो बन ही रहा हूँ, क्योंकि एमराल्ड लेवल पर आ चुका हूँ। मेरा बेटा भी 2 स्टेप पीछे है सिर्फ, और वो भी बनेगा।
तो सोच लीजिए उसकी लाइफस्टाइल क्या होगी। और मैं जब एक दूसरों के लिए रोल मॉडल बनूंगा कि बहुत सारे फेलियर्स के बाद जब एक इंसान पास होता है तो उसका लाइफस्टाइल क्या होता है, इस वजह से मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। थैंक यू राज भाई, थैंक यू सो मच। आपका उद्देश्य डायमंड बनने के लिए आप आए इस कंपनी में, सिर्फ इतना ही बताना है, हमने ज्यादा नहीं बताया। राज भाई ने थोड़ा सा एलोबरेट किया, क्योंकि अगर सब एलोबरेशन करेंगे, एक एग्जांपल हमें मिल गया क्या था, अब हमें सिर्फ ये बोलना है कि मुझे डायमंड बनना है, मुझे इसलिए, पैसों के अलावा क्या है आपका उद्देश्य। तो अपने बीच में लेडी एंटरप्रेनर पार्वती राजपुरोहित, उनको अनम्यूट करते हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ जी सर, मैं इस इंडस्ट्री में इसलिए आई हूँ कि मुझे अपनी पहचान बनानी है। वाओ, फैंटास्टिक, पहचान। एक ने कहा डायमंड, एक ने कहा पहचान। लिखते जाओ राज भाई, मेरे लिए नोट करते जाओ, तिलक भाई से भी पूछ लेते हैं। गुड मॉर्निंग सर, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? जी बिल्कुल आ रही है सर। मेरा टारगेट है, लक्ष्य है 20 सितंबर 2025 तक अपने गाँव में एक वृद्धा आश्रम बढ़िया सा बनाना है। सोशल सर्विस लिख लीजिए, सोशल सर्विस। बहुत बहुत बढ़िया तिलक भाई। अभी दिनेश जिरोनिया है, उनको अनम्यूट करते हैं। जल्दी जल्दी से वीडियो पे आ जाइए, वीडियो का परमिशन ओपन हो चुका है। गुड मॉर्निंग ऑल इंडिया का एंड पर्ल बर्ड सर। मेरा ये है कि जितने भी नेटवर्कर हैं जो अनसक्सेस हैं, कहीं ना ज्यादा से ज्यादा लोगों को सफल बना पाऊं और खुद सफल बनूं इस कॉन्सेप्ट के साथ में। हेल्प अदर पीपल टू बिकम मोर सक्सेसफुल, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। यस सर, ज्यादा से। सुजीत कुमार अंबर, जितने को होस्ट है मेरे को हेल्प करें थोड़ा सा। हेलो जी, जी आवाज आ रही सर? बिल्कुल आ रही है। सभी कम्युनिटी को हैप्पी न्यू ईयर सर, नए साल के लिए। और मैं सर आज पहली बार आपसे बातचीत कर रहा हूँ। मैं जूम मीटिंग तो करीब करीब 10-15 दिन से सुन रहा हूँ, और मैं यही सोचा था सर कि जब मैं अपनी शुरुआत करूँगा तब आपसे बातचीत करूँगा। और एक बहुत अच्छी एनर्जी पॉजिटिविटी यहाँ से मेरे को मिली है। और मैं जब से पहला दिन, मैं जो सर आपको उषा मैडम के टीम से हूँ, उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया था, 31 तारीख को मैंने अभी अपनी ज्वाइनिंग करी है। और सबसे पहली ज्वाइनिंग मैंने अपनी मैडम को डाली है सर, और 700 लोगों की टीम। मकसद बताएं, मकसद आपने इस कंपनी को ज्वाइन किया तो क्या मकसद था? सर मकसद ये है कि मेरे मन में बहुत पहले से भावना थी कि मैं लोगों को मदद किस तरह से कर सकूं, मतलब एक इस तरह से कि लोगों को सपोर्ट किस तरह से कर सकूं। वो चीजें मुझे यहाँ दिखी सर, कि मैं अपने जानने वाले को, अपने पहचानने वाले को, अपने परिवार को और जो समाज है उसको एक अच्छे तरीके से मदद कर सकता हूँ वहां पे। मदद, हेल्पिंग अदर्स लिख लीजिए, हेल्पिंग अदर्स। ईपी अपने हरसिमरन जी अनम्यूट। आज तो जल्दी जल्दी करना है, हमने बात जल्दी जल्दी बतानी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग सर जी। सर मेरा मकसद जो है वहां यहां आने के लिए वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम ओके। जीवन परमार आप वीडियो पे आ जाइए, एसके रॉय साहब वीडियो पे आ जाइए, रतिराम जी वीडियो पे हो आप, लो रतिराम जी अनम्यूट का रिक्वेस्ट। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं रतिराम कुशवाहा हूँ, यूपी से, ललितपुर जिले से। नाम नहीं बताना आपका, सब जानते हैं आप कहाँ से है, क्या है, आपने बताना आपका उद्देश्य क्या है यहाँ पहुँचने का। जी मेरा प्लेटिन वर्ल्ड में आने का यही मकसद है कि जल्द से जल्द डायमंड बनूं मैं, अभी मुझे 3 महीने हुए। डायमंड बनना है बस इतना बोलना है, आगे टाइम नहीं है, क्योंकि आज हम बहुत सारे लोगों को लेके आएंगे। पीयूष भाई जल्दी से बताएं। सर लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंट, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस कृपया एक्सप्लेन करें लोगों को थोड़ा हिंदी में सर। हाँ, लोगों के लिए इस बिजनेस में एक रोल मॉडल बनना है कि डायरेक्ट सेलिंग में क्या क्या किया जा सकता है। इसमें सर लोगों की मदद करना, लोगों को लेके आगे बढ़ना, इसमें नेम फेम रिकॉग्निशन भी आ जाएगा सर, इसमें लाइफ की टाइम मनी सिक्योरिटी भी आ जाएगी सर। सर एक बताओ उद्देश्य, आपका मेन उद्देश्य क्या था इसको ज्वाइन करने का, पर्सनल सेल्फिशनेस बताओ। ये सब चैरिटी वैरिटी, देखो मैं एक बात बताता हूँ, पैसे होंगे तो बांटोगे ना सर,
अचीवमेंट होंगे तो बहुत सारे बिजनेस किए सर, 7 बार फेल हो चुका हूँ, 8वीं बार इस फेल्यूर के जो है गैप को भरना है सर। मुबारक हो, आप मेरे आधे वाले भाई हो, मैं 18 बार हूँ, आप 8 बार हो। जी सर, थैंक यू। तो आपका अचीवमेंट क्या था, एक जो आपका फेलियर था उसको टर्न अराउंड सक्सेस करना है। यस सर, ये उद्देश्य है। सेल्फिश बातें करो आज, बहुत बड़ी बड़ी बातें, चैरिटी वैरिटी, ठीक है ये सब बाद में करेंगे। चैरिटी तो हम दिलवा देंगे आपकी, चिंता मत करो, एक बार डायमंड बनो तो सही। इंद्रप्रीत कौर, अनम्यूट। हाय सर, मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, पहले उससे बनने के लिए मुझे खुद को प्रूव करना है और लेडीज को मोटिवेट करना है कि आप भी सब कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में, मतलब अपने बिल्स खुद से पे कर सकते हो, सारी चीजें आप खुद से कर सकते हो। सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमन बनना चाहती है, एंटरप्रेनर बनना चाहती है, लोगों को मोटिवेट करना चाहती है, 3 उद्देश्य है आपको से ये लगता है। हमारे बीच में बजरंग सिंह जी है, बताए। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा सर फर्स्ट दिन से यही था, मैं डायमंड बनूं, और मेरे ग्रेट अपलाइन भरत सिंह जो अभी डायमंड है उनकी तरह मैं भी मीटिंगें ले हूं और लोगों को सक्सेस बनाऊं। मतलब आप भरत सिंह हिंदा बनना चाह रहे हैं, आप बजरंग नहीं बनेंगे, आप बजरंगी बनोगे चाहे कितना भी रहोगे, आप उनसे आगे निकलोगे या पीछे रह जाओगे, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो आपका मन है कि मैं आगे जाकर स्टेज पर प्रेजेंटेशन दूं लोगों को, मतलब स्टेज फियर खत्म करना चाहते हैं, वेरी गुड। सुजीत कुमार जी से हो गई बात। राकेश साहू जी, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग सर। जी सर, मैं मेरा एक ही उद्देश्य था कि इस टेक्नोलॉजी में सिर्फ हम फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम दोनों पाते हैं, और साथ साथ में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हम सीख रहे हैं और सीखने का पैसा आता है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मकसद क्या है आपने इस कंपनी को ज्वाइन करने का, मकसद क्या है? ऑनेस्टी चाहिए, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो बात की बात है। आपका दिल है तो बांट देना, नहीं है तो मत बांटना, लेकिन पहले आप जब इस कंपनी को ज्वाइन कर रहे थे तो आपके मन में क्या था कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा 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 क्या चीज है? सर मेरा मकसद ये था कि मैं लोगों को इस टेक्नोलॉजी को पहले सीख के और लोगों को सिखा के पैसा कमा सकता हूं। टेक्नोलॉजी अलग चीज है, टेक्नोलॉजी को अलग रख दो, पैसिव इनकम अलग रख दो, एक्टिव इनकम अलग रख दो। आप जब आपको किसी ने प्लान दिखाया, आपको एक चीज क्लिक हुआ, आपने कहा बस अब मैं ये करता हूं, तो आपका बेसिकली दिमाग में क्या चल रहा था उस टाइम? सर मेरा ये चल रहा था कि मुझे जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ उसके साथ साथ में मुझे एक्स्ट्रा इनकम आ रही है, वो भी एक्स्ट्रा इनकम। यस, साइड हसल, यानी के एक पार्ट टाइम काम जिससे मेरा थोड़ा सा लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट हो। यस, ये हुई ना बात। रूबी सुदेश कुमार जी, लो जी आपको अनम्यूट कर दिया है मैंने। नारायण यादव जी, आज लेफ्ट टू राइट, टॉप टू सेंटर चलेंगे। आज कितने भी बड़े डायमंड हो, ब्लू डायमंड हो, अगर जिस तरीके से आएंगे उसी तरीके से हम लेते जाएंगे। सुदेश कुमार जी बोलिए। नहीं बोलना? सभी गुरुओं को चरण स्पर्श। जी जी सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं इसलिए मैं रजाई में बैठा हूँ, तो फील ना करे कोई भी, इसलिए वीडियो पे कम आता हूँ। आपको पता है मैं रहकर आया हूँ, लीवर ट्रांसप्लांट हूँ। जी जी, तो सर मेरा मकसद सिर्फ, मैं 8 से 10 हजार रुपए महीने की मेरी दवाई जो होल लाइफ लिख रहा था मेरी स्टेटमेंट में, मेरी डिस्चार्ज समरी में, वही मेरा मकसद था। मैं एक LIC एजेंट और हेल्थ इंश्योरेंस था, मेरे ले दे के 5 से 7 हजार कमते थे, 2 हजार रुपए की शॉर्ट पड़ती थी। मेरा सिर्फ इतना सपना था कि मेरी 31 साल की एज में ट्रांसप्लांट हुआ कि मैं जैसे तैसे करके अपनी 50 साल एज कम्प्लीट कर लूं, उसके बाद दवाई खा ही नहीं पाऊंगा, इतना ही कर सकता हूं। लेकिन जैसे मैं इसमें 1 जून को ज्वाइन हुआ और मैंने खुद होने के बाद में जब इसका रिजल्ट देखा और मैंने फिर उस महीने काम किया, तो मेरी पहले ही महीने की इनकम 1 लाख प्लस आई। वाह। और वहीं से मेरा दिमाग इतना एक्स्ट्रा मोटिवेट हुआ कि मुझे ये लगा कि अब तू यहाँ से सारे सपने, मैं और मेरा भाई मिलके जब हम किसी का अगर लेंटर वाला मकान देखते थे तो हमारी हिम्मत परास्त हो जाती थी कि हम अपनी लाइफ में अपने जीते जी कभी भी 20 लाख का मकान नहीं बना सकते। और इसमें आने के बाद में मैं आप सभी को साक्षी मानकर एक कमिटमेंट कर सकता हूं कि आने वाले 3 से 4 साल में मैं 1 करोड़ प्लस का अपने गांव में एरिया का नंबर 1 मकान बनाऊंगा, वो इसी की देन है, और लोगों की मदद भी करूंगा। मैंने जो जो भी मेरे सारे फैमिली थी,
गरीब सारे एटमॉस्फेयर में सभी को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और यही मेरा सपना था। सारे सपने मेरे इससे कंप्लीट होंगे ये मेरा 100% भरोसा है और मैं लिख भी देता हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद सुरेश भाई, धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा लंबा जा रहे हैं, आपका मकान 1 करोड़ का बनाने, पहले जब ज्वाइन किया था आपने कहा था मेरे इलाज के लिए पैसा, मतलब जो दवाइयों पे खर्चा हो और 50 साल तक की उम्र आपकी स्वस्थ रहे, भगवान करे। हम सब लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप हमारे साथ अगर भगवान ने लंबी उम्र रखी तो काफी टाइम तक आप हमारे साथ स्वस्थ रहेंगे। तो आगे चलते हैं, नारायण जी यादव जी एमराल्ड रैंकिंग पे हो, अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज दिया। राम कुमार जी पर्ल स्पेलिंग ठीक करो, पेरल नहीं होता पर्ल होता है। नमस्कार संजय थामक सर जी, मेरा एक ही मकसद है इसमें, अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट और डिसिप्लिन में रहना। वाओ, मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं और ड्रीम, तभी आप इस कंपनी में आए। आपको इस कंपनी में ऐसा क्या लगा कि आप पर्सनालिटी डेवलप कर पाए? हेलो जी, आपको ऐसा क्या लगा कि मेरी पर्सनालिटी यहाँ डेवलप हो जाएगी अगर मैं इस कंपनी को ज्वाइन करूंगा? नहीं, इसमें क्या है सर, 4 लोगों से मिलने का, देखने का, अलग अलग जगह जाने का अवसर मिलता है। जैसे आप दुबई हो, कभी अभी आए है, यानी मेरा भी दुबई के लिए पासपोर्ट बन चुका है, 1 साल हो गया, लेकिन कुछ अनफॉर्चुनेटली नहीं जा पाया हूँ। तो क्या है, बड़े बड़े लोगों के साथ उठने बैठने से पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, डिसिप्लिन में रहने को मिलता है। पैसा तो सभी कमाने के लिए आया है सर इसमें, बिना पैसा कमाने के लिए तो कोई ज्वाइन ही नहीं करेगा। अब पैसा कमाने के बाद जो आप कह रहे हैं वो तो सभी करेंगे ही सर, दान करना है। आपकी पर्सनालिटी तो डेवलप हो जाएगी, लेकिन हम जिस इंडस्ट्री में है ना, We are the most undisciplined people on the earth. हम अपनी जिंदगी में अगर डिसिप्लिन चाहते हो यहाँ पे तो खुद से करना पड़ेगा। ये हमारा जो समाज है ना, अनडिसिप्लिन्ड है, और ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश जारी है। थैंक यू सो मच, आपको म्यूट कर देता हूँ। राम कृष्ण पर्ल, अरे आपको आता है स्पेलिंग, गलती से आपने गलत कर रखा था। राम कृष्ण जी बताए, राम कुमार, थोड़ा हेल्प करें राम किशन जी को, राम कुमार जी को अनम्यूट करने के लिए। कर दिया सर जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा एक ही लक्ष्य है, एक ही गोल है, मुझे हर हाल में डायमंड बनना है, डायमंड बनना। वाह, एक ही है। थैंक यू, सुम्मा आमीन, आमीन सुम्मा आमीन, और भगवान करे आपका कल्याण हो, आप जल्दी डायमंड बने। हाँ, ये स्पेसिफिक होता है। अच्छा, जो लोग इस इंडस्ट्री में नहीं है उनको क्या पता कि डायमंड क्या होता है, ये भी एक क्वेश्चन है। मेरे को नहीं पता था डायमंड कुछ होता है। तो अभी अपने साथ फुरकान भाई हैं, फुरकान भाई आधा वर्ज है, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज दिया है। जी फुरकान भाई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरी आवाज खिली? बहुत बढ़िया सर, मुझे ललित सर की तरह बनना है। अरे वाह, ये बात हुई, आपको ललित सर के जैसे बनना है, ऐसे ही बनोगे, लेकिन नाम आपका चेंज नहीं करेंगे हम। सुधीर तपियाल जी, अनम्यूट का रिक्वेस्ट आपको भी दिया गया है। गुड मॉर्निंग संजू सर, आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही है सर, फर्स्ट क्लास। हाँ, शुरुआत में तो एक एक्स्ट्रा इनकम का लक्ष्य था, लेकिन अब लक्ष्य ये है कि अपनी टीम के साथ मिलकर अगले 5 साल में 200 करोड़ रुपया। वाह, फैंटास्टिक। शुरुआत में लक्ष्य पैसा था, मी माई सेल्फ। जिंदगी में ना हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं, ऐसा कर चाहते हो, लेकिन पैसा नहीं हो तो क्या करें, है ना। तो सुधीर जी ने अपनी बात बहुत सही रखी कि पैसा कमाना मकसद था और अब थोड़ा मकसद चेंज हुआ, अब टीम के साथ मिलकर 200 करोड़ रुपए कमाना है। वाह, दैट्स ग्रेट। अब हमारे बीच में आते हैं भगवान सिंह जी। भगवान सिंह जी भाई जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, बताए भगवान जी। सर असल दे विच मेरा जेड़ा मेन मकसद है सर, हिंदी में लाइफ, मैं अपनी लाइफ नु सर नॉर्मल नहीं जाना चाहता, मैं अपनी लाइफ में नॉर्मल नहीं रहना देता। आप बहुत अच्छी लगी, मेरा एक दोस्त है, वो कई कई बार हम लोग साथ में गाड़ी में कहीं घूम रहे होते तो एक शमशान घाट के पास से निकलता था, तो मुझे हमेशा बोलता था
कहते यार संजू मैं ना यहाँ पर दफन नहीं होना चाहता। तो ये मैंने उससे पूछा दफन तो सबने होना है या जला दिया जाना है या दफन होना है या यही दो हमारे साथ रहता है। तो मैंने इसे पूछा कहते ये जो एरिया ना ये शमशान घाट यहाँ नहीं आना चाहता, दुनिया में कहीं भी जाऊं लेकिन यहाँ नहीं दफन होना चाहता। मतलब ही वॉन्टेड टू गो टू इंटरनेशनल, वो जो कहते समाज के वो बंधन ने उसको बांध रखा था, वो उड़ना चाहता था। तो समझ आ गया आपकी बात भी सही है, नॉर्मल नहीं रहना चाहता, अब मैं एक लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहना चाहता हूँ। वेरी गुड, अच्छा बहुत अच्छा, आपको ये प्लेटफॉर्म जरूर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेगा। वीडियो पे आइए जी, परल सिंह जी, मोहम्मद शबीर, एम्बर, अनम्यूट का रिक्वेस्ट। हेलो, गुड मॉर्निंग हॉनरेबल संजू थॉमस सर एंड आल्सो ऑल हॉरिबल, हॉरिबल या हॉनरेबल, हॉरिबल मत बोलो, इतना हॉनरेबल, हॉनरेबल, हॉनरेबल सर, हॉनरेबल, सॉरी सर, हॉनरेबल सर। जी जी सर, आल्सो ऑल कमिटीज गुड मॉर्निंग सर, थैंक्स सो मच। मैं पहली बार सर आज मुझे मौका मिला, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं सर मैं आपका जी। सर मेरा रियली मकसद यही है कि मेरी रेफरेंस से अगर किसी एक मेरे मोहल्ले मेरी बरादरी के एक गरीब से गरीब आदमी को अगर उसके अकाउंट में पैसे आएंगे तो सर मेरा दिली तमन्ना यही है। और मैं ऑलरेडी सर गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मेरे को अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दे रखा है, मेरी सर पे भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी है सर। और मैं तिलक सर की जो मोटिवेशनल सुनता हूँ ना वो ऑलरेडी रिटायर्ड है, मेरा भी एक साल रह गया है और मैं सर दिल खुश हो जाता है सच में सर आपकी। मैं एक भी दिन मीटिंग सुबह शाम की सर डेली कंटिन्यूली सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है सर। थैंक्स सो मच सर, रियली बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका उद्देश्य है कि आप एटलीस्ट एक आदमी की जिंदगी बदल दे, है ना? सर बहुत सारे जी सर, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप ऑलरेडी वेल सेटल्ड है और आप चाहते हैं कि मैं इस इंडस्ट्री के थ्रू दूसरों तक। हमारे बीच में ओमकार भाई है, ओमकार भाई को अनम्यूट कर रहा हूँ। नमस्कार ओमकार भाई। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरा एक ही उद्देश्य है वो ये है, एक तो माँ बाप का सपना पूरा करना है और दूसरा मुझे प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं करना, क्योंकि 6 साल हो गया सर, बस थक गया है, समझ जाइए। मजा आ गया सर, आपका तो ड्रीम मेरे साथ मिलता है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब ही नहीं करना है, जॉब को मारनी है लास्ट, है ना, और एम्प्लॉयमेंट का सोर्स बनना है, फैंटास्टिक, ये बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। हमारे बीच में हर नारायण कुशवाहा जी, अनम्यूट का रिक्वेस्ट। जी सर, गुड मॉर्निंग जी सर, मुझे क्या है सर, मैं आपको बहुत सुनता हूँ और आपको सुनकर मैं बहुत एक्साइट होता हूँ सर। मेरा सपना है कि मैं यहाँ से अच्छा पैसा भी कमाऊंगा सर, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ सर, मुझे बहुत बहुत सर आपसे मिलने के बाद या आपको सुनकर तो मैं बहुत कॉम्पिटेटिव होता हूँ सर। और मैं पहले ये सपना बना चुका था कि इस इंडस्ट्री में मैं ज़्यादा नहीं कमा पाऊंगा और मैं ये नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे अपलायन योगेश जी हैं, उनकी गाइडलाइन के अनुसार वो आपको सुन सुनकर सर मैं इतना मजबूत हो चुका हूँ कि सिस्टम को कभी भी छोड़ कर नहीं जाऊँगा और लगभग अपनी टीम में 2 डायमंड ऐसे क्रिएट करूँगा जो हमको इनकम के रूप में ऐसी इनकम मतलब देंगे कि मेरे पास परमानेंट इनकम आएगी और लाइफ में अब अधिकतर में बिल्कुल लाइफ फ्रीडम हो जाएगी मेरी। लाइफ में फ्रीडम चाहते हैं जी सर। फाइनेंशियल फ्रीडम बेसिकली, और फ्रीडम तो हमारे को क्या मिला है। हमारे बीच में दिनेश भाई है, दिनेश भाई अनम्यूट का रिक्वेस्ट, आपको पहुंच गया है। जी नमस्कार सर, सभी को नमस्कार जी। मैं सर इस कंपनी में जुड़ा था खेल खेल में सर जी, लेकिन जब से मीटिंग चालू किया, अगस्त से मैं मीटिंग चालू किया तो मेरा विजन क्लियर हो गया, जो पहले से ही मेरा उद्देश्य था। मैं सर लोकसभा का मेंबर, चुनाव भी लड़ चुका हूँ, लेकिन मुझे जीत के लिए यहाँ से पैसे चाहिए और उस रास्ते पे मैं चल चुका हूँ। फिलहाल मैं जिस रैंक पे हूँ, इसी महीने में मैं अभी पर्ल रैंक पे हूँ, इसी महीने में 5 पर्ल और वो कंटिन्यूटी, और जो लोग पर्ल जाएंगे जिस रैंक पे मैं, उनके पर्ल बनने से जो मेरा रैंक आएगा नेक्स्ट महीना, उस रैंक पे सभी को पहुँचाना मेरा यहाँ से उद्देश्य है। मेरा 2029 आप इस कंपनी में किस उद्देश्य से आए थे, अभी तो उद्देश्य बदल गया, आप इस कंपनी में किस उद्देश्य से आए थे? स्टार्टिंग में सर जो हमारे अपलाइन है सर, उसने मुझे बहुत प्रेशर करके जोड़ा था, तो मैं जबरदस्त चलो यार तुम पैसे लेके जाओ, मैं लेकर के खूब मजे लेके पैसे भी लेता रहा, लेकिन मैं जाग नहीं पाया था। तो मेरे बाद में मुझे कमी महसूस आई कि मैं मीटिंग ज्वाइन नहीं करता था, तो मैं काम के सिलसिले में गया हुआ था सर अंडमान, वहां मुझे 6 दिन का फुर्सत में था, फिर मैं मीटिंग सुनना चालू कर दिया
और जब से मैं मीटिंग सुनना चालू किया तो कि जो सर ऐसा जगह हूँ कि अब इस मिशन के अलावा नींद नहीं आती है, बस बाकी सर मिशन ही मिशन और कंपनी काम पे ही लगा रहता हूँ। आपको इश्क हो गया इस कंपनी के साथ। तो एक ही सर, ये सभी से सर एक ही बात, और भी जो हमारे भाई अभी जो इस मीटिंग में सुन रहे हैं सर, पता नहीं तरह तरह की बातें होती रहेंगी। जो लोग मीटिंग ज्वाइन करेंगे सारे का उद्देश्य पूर्ति होगा, मीटिंग से हटे बस उनकी उद्देश्य की पूर्ति बंद। वाह, तो इनका मकसद जो है वो लार्जर देन लाइफ है। तो मैं तो छोटे छोटे इच्छाओं वाले लोगों से बात करना चाहता हूँ। अमजद अली, डीएम अमजद अली, अनम्यूट का रिक्वेस्ट। अमजद अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम संजय थॉमस सर, गुड मॉर्निंग सर। मेरा सर यही है कि लोगों का मुंह बंद करना है, क्योंकि आज तक लोग कहते आए हैं कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे और ऐसा नेटवर्किंग से कुछ नहीं होने वाला है। ये सब बड़े बड़े लोगों उद्योगपतियों के लिए नेटवर्किंग होता है, छोटे मोटे लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मुझे वो करके यहाँ से सर दिखाना है, इसीलिए आया। कुछ करके दिखाना है, लोगों के मुंह में ताले लगाने हैं। वाओ, ये बहुत बढ़िया उद्देश्य है, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट वापस लेके आना है। फैंटास्टिक। अब हमारे बीच में ओपी साहू, मैं बहुत लोगों को जल्दी जल्दी चलाना चाहता हूँ, थोड़ा मेरे साथ दे, क्योंकि उसके बाद मैं एक छोटा सा सेशन लूंगा, 5 मिनट का, 5 से 10 मिनट का, वो सेशन आपको क्लैरिटी देगा। जी गुड मॉर्निंग सर। जी सर, आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है सर, बोलते जाओ बिंदास। जी सर, जी गुड मॉर्निंग सर। और मैं सर जो बेरोजगार लोग हैं उनको सर रोजगार देने का मेरा मस्तिष्क है सर, और जो कंपनी की सबसे बड़ी रैंक है मैं उसको अचीव करूंगा सर। थैंक यू सर। बेरोजगार को रोजगार देना चाहते हैं? सबसे बड़ा बेरोजगार तो मैं ही था पहले, तो पहले मैंने रोजगार लिया है ना, आपके पास हो सकता है काम। मैं तो बेरोजगार था, मैं तो ऑनेस्टली बोलूं कि जॉब कर रहा था, लेकिन मेरे जब ऑपरेशंस वगैरह तो ऑलमोस्ट बेरोजगारी समझ लो। मैं बेरोजगार वो समझता हूँ, पैसा तो आ रहा है लेकिन आप काम नहीं कर रहे तो भी बेरोजगार है। जैसे कि हमारी कम्युनिटी में हुआ है, पैसिव इनकम आ रहा है, सब रोजगार से बेरोजगार बन गए और कंपनी की ऐसी तैसी कर दी। तो बेरोजगार को रोजगार मत दीजिए, आप अपना रोजगार बढ़िया चलाइए। What is wanted, you do it. People will follow you and you will get what you wanted. ये हमेशा लाइफ में ध्यान रखना। बेरोजगार आप खुद हो, आपको समझ आ गया कि अच्छा इंडस्ट्री है जिससे मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ। बहुत अच्छे साहू साहब। अब हमारे बीच में असलम साहब हैं। असलम साहब, अनम्यूट का रिक्वेस्ट, आधा बर्जे और बताए जल्दी से। सर मेरा एक ही उद्देश्य था, मैं जब हर्बल लाइफ में वर्किंग कर रहा था ना, तो मैंने बहुत सारे लोग ये थे मेरे साथ, और मैंने सोचा कि मैं इनके जीवन में फिर से बदलाव लाऊं, और कहीं ना कहीं वही कोशिश मैंने करने के लिए यहाँ आया था, और वही चीज आज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मैं लोग जो लोगों के साथ में पहले से वर्क कर रहा था उनके जीवन में बदलाव और खुद की लाइफ में बदलाव करना था। और जो आपने बोला सर अपना फेस वैल्यू, पिछले जगह जहाँ थोड़ा डैमेज लग रहा था उसको मैं यहाँ क्लियर करूँ, यही मेरा उद्देश्य था। और लोगों को आगे ले जाना और खुद को आगे बढ़ाना, यही चीज मेरा उद्देश्य था सर। Fantastic. नम्रता जी, नम्रता चौरसिया जी, अनम्यूट का रिक्वेस्ट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैं इस बिजनेस में इसलिए आई हूँ कि मैंने बहुत सारे फेलियर देखे हैं, 10-12 कंपनियों में काम किया, कभी किसी में सक्सेस नहीं हो पाई। तो इसमें सक्सेस होके टॉप पे जाके मैं देश विदेश घूमना चाहती हूँ, एंजॉय करना चाहती हूँ लाइफ। वाओ, ये मीनिंगफुल है। मैंने बहुत सारे फेलियर देखे, इस कंपनी को देखकर देश विदेश घूमना चाहते हैं और कामयाबी चाहते हैं, वापस छीन के लाना है कामयाबी जो हमारे हाथ से फिसलती रही है। बिल्कुल ऐसे ही होगा। थैंक यू संजू रूबी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। जी हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आप भी संजू, मैं भी संजू, बताए सर। दुबई वाली सर पीपीटी कब स्टार्ट करेंगे सर? वो भी करेंगे, जल्दी करेंगे, आज उस पे काम चल रहा है। कल बर्थडे था मेरा तो टाइम नहीं निकाल पाया सर। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। तो इवनिंग के सेशन में चालू होगी सर? जी जी बिल्कुल, इवनिंग की कोशिश रहेगी। 100% नहीं कह सकता, लेकिन मैंने 40% कंप्लीट कर लिया है।
चलिए सर जल्द से जल्द स्टार्ट करिए सर। आपका इस कंपनी का मकसद बताइए सर। मेरा मकसद तो आपने याद दिला दिया सर, केवल पैसा सर। पैसा, ये बात पैसा, पैसे के लिए तो एक बात बताऊं आपको, मैंने एक बात कही थी, पैसा तो और भी कारण है बहुत, मतलब कुछ कहीं से भी आ सकता है पैसा, सिर्फ पैसा सर, पैसे से ही सारे काम हो पाएंगे ना। अच्छा ये बात भी आपकी सही है, ये बात बिल्कुल ठीक है। राकेश कुमार एमराल्ड अनम्यूट का रिक्वेस्ट। हेलो गुड मॉर्निंग संजय सर जी। गुड मॉर्निंग। सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना सर। सिर्फ और सिर्फ पैसा, पैसे के पीछे भागोगे पैसा आपसे भागता रहेगा, कोई बात नहीं, पैसा है मकसद, पैसा कमाना है मकसद। राम खोसला सफायर अनम्यूट का रिक्वेस्ट। अपने साथ मनीष बघेल वीडियो पे हैं, तो जो जो वीडियो पे आएंगे मैं अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजता रहूंगा अभी जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरे को ना रात को सोते सोते पैसा कमाना है और 1000 क्रिएट करना है इस सिस्टम से। आपको सोते सोते पैसा कमाना है और 1000 करोड़ अर्न करनी है प्लैटिनम वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म से। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया आपने लोगों को। मनीष बघेल साहब लो अनम्यूट का रिक्वेस्ट आपके पास भी आ गया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। गुड मॉर्निंग, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझे मौका दिया बोलने का। और बाकी मैं मनीष कुमार सुनील तर की डाउनलाइन तो फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ। जी जी। मुझे प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगा और बाकी मेरा जो मकसद है, अपनी जो डाउनलाइन है मेरे पास में 73 डाउनलाइन है, उनको मकसद है उनको हर रैंक को अचीव करवाना है, चाहे कुछ भी हो जाए हर रैंक को अचीव करवाना। मनीष भाई जब आप इस, जब सुनील भाई ने आपको पहली बार प्लान दिया था, तो जब आपका ज्वाइन करने की जो तीव्र इच्छा हुई थी वो किस कारण हुई थी? सॉरी आवाज कट ब्रेक। जब आपको ये प्लान मिला तो आपके दिमाग में क्या चमका कि मुझे इस कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहिए इससे? सर ये सुनील सर ने मेरे से बोला था शुरू में, मेरे समझ में नहीं आया था, जब उनकी एक देखा वो करोड़ों की हस्ती में पहुंच चुके, तो मेरा फिर बाद में मन ललचाया, फिर मैं उनके पीछे ज्वाइनिंग कराया, उसके बाद में देखा तो जितना मैंने सोचा था उससे कई गुना अर्निंग है। वाओ, यानी यू वांटेड टू क्रिएट ए सक्सेस स्टोरी, सक्सेस स्टोरी क्रिएट करना चाहते हो आप, वेरी गुड। हमारे बीच में रिद्मल सिंह जी है, अनम्यूट का रिक्वेस्ट। गुड मॉर्निंग सर जी। सर मैंने, मेरे आने का मेन मकसद यही था कि जिस दिन मैंने फर्स्ट बार जब प्लान देखा था जी, तो मैंने एक चीज देखी थी, मैं पिछले काफी टाइम से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ही काम कर रहा हूँ और काम कर रहा था, लेकिन कुछ काफी अच्छा खासा मेरे पे कर्जा भी था, तो उतना नहीं आ रहा था कि मैं कर्जा उतार पाऊँ जी। डिस्ट्रीब्यूटर जिनकी जी रहे थे, जैसे यहाँ प्लान देखा और प्लान दिखाने वाले थे वो भी कहें कि प्रोडक्ट बेस्ट से थे, तो उन्होंने कम टाइम के अंदर बहुत अच्छा पैसा निकाला था और अच्छी लाइफ स्टाइल थी उनकी, और उनको भी मैं काफी पुराने टाइम से जान पहचान की थे, तो मैंने एक चीज देखी कि यहाँ यदि हम अच्छा काम करेंगे तो पैसा अच्छा आता है, और मैं कोई डायमंड बनने के लिए नहीं आया था, मैं कर्जे से परेशान था कि यहाँ आऊंगा तो मैं मेरा कर्जा उतार पाऊंगा। अब मीटिंग है ज्वाइन की, अब विजन बहुत बड़ा हो चुका है, डायमंड बनने का भी विजन बन चुका है और बहुत सारे लोगों को साथ में डायमंड बनाने का भी विजन बन चुका है। थैंक यू सो मच। थैंक यू रिद्मल जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, फाइनेंशियल फ्रीडम क्लैरिटी कि भाई उधार उतारना है, कर्जा ही दर्जा देता है, ये सच है, आपका कर्जा इस कंपनी में दर्जा देगा, आपको डायमंड अपने आप बनोगे और उसके बाद कर्जे तो क्या आप लोगों पे कर्जा चढ़ाओगे, हमने देखा ये बहुत लोगों के कर्जे कई लोगों पे चढ़ा रखे है। तो हमारे बीच में कंचन नाथ जी है, अनम्यूट का रिक्वेस्ट। कंचन जी नमस्कार जी। कंचन जी अनम्यूट हो चुके हैं, आप बोल सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मेरे को इतना नॉलेज तो नहीं है, मैंने अभी अभी ज्वाइनिंग की है, 10-15 दिन हुए हैं। कोई बात नहीं। और मैं राजस्थान से हूँ, मेरा यही सपना है कि मुझे कुछ करना है। क्या करना, मेरे कुछ क्या करना है, वो क्या पता करना यही है, मतलब मेरा सपना था सर कि मैं इस कंपनी में, सॉरी मेरा यही सपना था बचपन से कि मैं, मुझे कुछ करना है, कुछ करना है, तो मैंने पढ़ाई भी बीच में छोड़ दी बचपन में, ऐसे ही फिर भी था कि कुछ करूं, तो मेरे हस्बैंड ने इनमें ज्वाइनिंग की और फिर मेरे को भी बोला कि आप भी हो जाओ इसमें ज्वाइनिंग, फिर मैं मीटिंग भी करती हूँ आपकी सुबह शाम, बिल्कुल भी मिस नहीं करती हूँ, देखती हूँ
और मेरे जैसी बहुत सारी लेडीज है, जहाँ से मैं हूँ सर वहाँ पढ़ी लिखी अनपढ़ जो सब है वो एक ही जगह पे जाती है, या तो खेतों में काम करती है या फिर नरेगा में जाती है। तो सर मैं उनको यही बताती हूँ कि मतलब कुछ करो, और जहाँ से मैं हूँ तो वो मेरे पे हंसती है क्या कर लेगी, और मैं हम जो समझती है वो बोलती है कि हम तो हमें नॉलेज नहीं है, हम इतने पढ़े लिखे नहीं है तो हम इसमें क्या करेंगे। तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि इसमें कोई पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है, किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, बस आप ज्वाइनिंग करो और देखो फिर मीटिंग अटेंड करो, पता चल जाएगा सर, बस यही है मेरा। और मेरा हेलमेट है मेरे बहुत, एक अंदर से कसक थी कि लाइफ में कुछ अलग हटके करना है, और वो आप इस कंपनी में ज्वाइन करने के बाद है ना जी सर, मेरा बस यही है, सॉरी सर मेरा यही है कि बस मैं कुछ करके बन के दिखाऊं। ये कुछ करना क्या है, आप एक्चुअल में अपने आप से एक मजबूत लेडी है, हाँ। और दुनिया के सारे रीति रिवाज से अलग हटकर कुछ दिखाना चाहती है कि मैं भी पैसे कमा सकती हूँ इज्जत के साथ, और मैं ना पढ़े लिखे होने के बाद ही पढ़े लिखों को अपने टीम में इन्वॉल्व कर सकती हूँ। जी सर, मैं प्रवीण सर के भैया की उनकी टीम से हूँ जी, तो वो बहुत मोटिवेट करते हैं और मैं भी यही बताती हूँ सबको। वेरी गुड, पहले आप थोड़ा आगे चलेंगे मैडम, बहुत लोगों को टाइम देना है हमने, यहाँ पे ट्रेन रुकनी नहीं चाहिए। हिमांशु भाई अनम्यूट का रिक्वेस्ट, द पर्पल डायमंड हिमांशु जल्दी से बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। सर जब मैं इस सिस्टम में आया था तो सोच के आया था किसी को भी सिस्टम के बारे में नहीं बताऊंगा, अपना आएगा बहुत है। और फिर उसके बाद मैं सर इस सिस्टम में जब मैंने देखा कि लोगों की जिंदगी में बदलाव आ रहा है तो मैंने फिर अपने जिंदगी में बदलाव तो लाया, लेकिन सर हम बड़े हुए तो क्या हुआ, आज के कहते हैं मैं बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव ला पा रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं आज खुद तो पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ जितने भी टीम में एक्टिव लोग काम कर रहे हैं वे सभी लोग बहुत अच्छे से पैसा कमा रहे हैं, और मैं सभी लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना चाहता हूँ जैसे मेरी जिंदगी में बदलाव आया है। बहुत बढ़िया, अरे ये आपकी बात बिल्कुल सही है, आपने जब इस सिस्टम में आए थे आपने अपना सोचा और ज्यादा कुछ नहीं सोचा, लेकिन बाद में बदलाव आया आप में खुद, क्योंकि जब आदमी हेल्प करता है ना उसको लगता है उस हेल्प से मदद से वो बंदा इम्प्रूव हो जाएगा, उसको धन मिलेगा और अपनी जेब से कुछ नहीं जाएगा तो डबल हो जाता है उसका मोटिवेशन, है ना, ऐसे ही है ना। ठीक है जी, हमारे बीच में संजू एक और आ गए। हेलो जी संजू जी, आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग जी। हाँ जी सर, सर मेरा यहाँ आने का एक ही मकसद है कि सेल्फ इंडिपेंडेंट होना और उन लेडीज के लिए एक प्रेरणा बनना कि वो हाउसवाइफ होके भी सक्सेस को हासिल कर सकती है। वेरी गुड वेरी गुड, हमारे बीच में आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। वेरी गुड, हमारे बीच में वीडियो पे जो है सेकंड पेज पे आ जाते हैं जल्दी से। हमारे बीच में अभी ये है प्रवीण सफायर, हम रोज सुनते हैं लेकिन आज अपने किसी साथी को लेकर आए तो उनको अनम्यूट कर देते हैं जी सर। जय प्लेटिन वर्ल्ड, थैंक्स थॉमस सर, आपने एक बार फिर बोलने का मौका दिया जी। मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी है, वो खुद सफायर रैंक पर अभी अचीव होने वाली है, पल बन चुकी है जी, 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 जी। और ये कहना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर सीधी भाषा है, धक्के खाते हुए 7 से 8 साल हो गए, जो लाइफ में जो सपने देखे वो सपने कहीं पूरे नहीं हो पाए। और मेरा मानना है कि जिस तरीके से मेरी अभी दोबारा रीस्टार्टिंग प्लेटिन वर्ल्ड में जो 2 महीने की जर्नी है, उस जर्नी में मैंने काफी कुछ अचीवमेंट किया है, कुछ कर्जे भी मैंने उतारे हैं और कुछ उतारने की प्रक्रिया में हूँ, इस बात को मैं मानता हूँ। कुछ लोग मुझे बड़ी अचरज भरी नजरों से देख रहा है कि ये क्या करता है, कहाँ जाता है, क्या हो रहा है, क्या कर लेगा, कई तरीके के सवाल कम्युनिटी में आते हैं, लेकिन उन सवालों को मैं नजरअंदाज करता हूँ, कानों में रुई डाल के मैं काम पे ही फोकस कर रहा हूँ। और निश्चित तौर से 2023 दिसंबर तक का मेरा ये मिशन है कि मेरी डाउनलाइन के अंदर 10 से 15 लाख की 10 कारें मेरे डाउन में अचीवमेंट के रूप में वो लेकर आए तो लोगों को पता चले कि उन्होंने क्या अचीव किया है। मेरी डाउन के अंदर एक महिला नेत्री अभी कंचन नाथ आई थी। थॉमस सर मैं आपको बताना ज्यादा लंबा नहीं करना है, छोटा सा थॉमस सर छोटा, वो एक
आप ये आपके आपके पीछे बर्तन बज रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए। मैं कई बार आपको ये प्रॉब्लम है, किसी को माइक दे दो तो वो लंबा खींचते हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है, अभी बहुत सारे लोग पेंडिंग हैं, आप लोगों का समय लेते जा रहे हैं। और हमारे बीच में डेजी प्रधान जी है, अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज दिया मैंने आपको। शॉर्ट में बताना है आपको क्या कंपनी में दिखा। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। अपार्ट फ्रॉम मनी, मेरे को सर नेम, फेम और सर पर्सनल अचीवमेंट, ये तीनों चीज चाहिए। दैट्स इट, नेम, फेम एंड अचीवमेंट, बस बात खत्म। मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता, हमें सब पता है, सबने करना है, लेकिन बात क्या है, हमारे पास टाइम पीरियड कम है। बहुत सारे लोग मुझसे नाराज होते हैं, सर आप वीडियो पे बुलाते ही नहीं हो, उन्हीं लोगों को बुलाते हो। अगली बार जो लंबा बोलेगा उनको हम वीडियो पे आने ही नहीं देंगे। अनम्यूट का रिक्वेस्ट है जी, विशाल अरमो। यस सर, गुड मॉर्निंग। जी जी, गुड मॉर्निंग सर। मैं एक ही शॉर्ट बोलना चाहूंगा, ऑलरेडी डायमंड हूँ, कोई दिक्कत नहीं पैसे की, बट मैं आपके से बनना चाहता हूँ सर। आपका वीडियो देख के मैं सिस्टम में ज्वाइन किया था सर। अच्छा, थैंक यू सो मच। आप इसे बनना चाहते हो, बनिए, लेकिन मैं वहां रहूंगा नहीं अगले एक साल में, मैं कहीं और निकल जाऊंगा, क्योंकि मैं आप लोगों को ट्रेन करें ना, ऐसा ट्रेन करना मुझे मकसद। ये बोलो, ट्रेन करना चाहते हैं लोगों को, ट्रेनर बनना चाहते हैं। गुड, राज पुरोहित जी अनम्यूट का रिक्वेस्ट, देवेश शर्मा तैयार रहे, जल्दी जल्दी करेंगे। सर सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सर। बीमार था तब भी लेटे लेटे भी आपका ये देखता रहता था जूम मीटिंग, और मेरा एक ही एम है सर, पैसा तो खूब कमाया और कमा भी रहे हैं, गौ सेवा के लिए ये काम मैंने शुरू किया है, और देखो भगवान अगर देगा तो हम इसको बहुत आगे बढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आज का सेशन फैंटास्टिक रहा। अब मैं आपके सामने इन सब का एक निचोड़ निकालना चाहता हूँ। निचोड़ क्या है? निचोड़ है, आपके सामने आ रहा है, मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, कोई कोहोस्ट है तो मुझे प्लीज बताएंगे जरूर, और इस पे स्पॉटलाइट डाल दीजिए। आ रहा है मेरा स्क्रीन, शेयर हो रहा है? एनीबडी कैन हेल्प मी इन दैट? यस सर, हो रहा है सर। कितना बड़ा स्क्रीन दिख रहा है या छोटा? बड़ा दिख रहा है, बड़ा, ठीक है सर। ठीक है, तो मैं इसको स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन डाल देता हूं ताकि आप सबको बड़े प्यार से दिखे। ओके, दैट्स इट। हम सबका उद्देश्य, हमारा ड्रीम है, चाहे कुछ भी हो, आप पैसा कमाना चाहते हो, इज्जत कमाना चाहते हो, दौलत शौहरत, लेकिन हम सबका क्या है? ड्रीम। ड्रीम मतलब सपने, हमारे सबके कहीं ना कहीं सपने हैं, उस सपनों के लिए। किसी का अगर साउंड अभी म्यूट है तो अनम्यूट कर लीजिए अपने आप, अनम्यूट है तो म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। ड्रीम को हम डिफाइन कैसे करते हैं? डी मतलब ड्रीम इट, सपना अगर पूरा करना चाहते हो पहले सपना देखो, वैलिड सपना होना चाहिए। वैलिड का मतलब ये नहीं कि आप कोई गलत सपना देख रहे हैं, किसी के खिलाफ कुछ उल्टा सोच रहे हैं तो वो ड्रीम नहीं है। ड्रीम मतलब अपने लिए पर्सनल अचीवमेंट क्या करना चाहिए, उसको सोचो, उसको सपनों में देखो। रूटीन, अगर आपका सपना वो मजबूत है, वो रूटीन में आएगा आपके पास। आपको अपना रूटीन, जब भी आप कोई काम कर रहे हो हमेशा उस सपने के साथ सिंक करना पड़ेगा। यानी कि कपिल शर्मा का शो आ रहा है और आपका सपना है यहाँ पे डायमंड बनने का, या बिग बॉस आपने देखना है, आपने रूटीन बना रखा है वो देखने का, आपको ये सोचना है कि अगर मुझे डायमंड बनना है तो क्या मैं ये कपिल शर्मा का जो शो रोज देखता हूँ इसको अवॉइड करना है या कंटिन्यू करना है। अगर आपको लगता है इसके कंटिन्यू करने से मैं अपने सपने से दूर रहता हूँ तो अपना रूटीन चेंज करना पड़ेगा। फिर हर आदमी काम करता है, चाहे वो नौकरी करता है, बिजनेस करता है, मैक्सिमम लोग 100% एफर्ट करते हैं, लेकिन आपको अगर अपने सपने को पूरा करना है तो 24 घंटे का प्लान बनाना पड़ेगा, महीने का प्लान बनाना पड़ेगा, वीकली प्लान बनाना पड़ेगा, और एफर्ट लगाना पड़ेगा 10% एक्स्ट्रा। जो अब तक करते आए हो उससे जो अब तक मिलता है वही मिलता रहेगा। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करना पड़ेगा। यही बात मैं सबको बोलता हूं। अब आपके सामने
फिर एक और बात करना चाहूंगा, अकाउंटेबल, बीइंग अकाउंटेबल, यानी कि जिसने इस इंडस्ट्री में आपके सपने को मतलब हवा दी है, जिसने आपको एक उद्देश्य दिया है, जिसने आपको ज्वाइन किया कराया है, चाहे वो कोई भी हो, आज वो कहीं पर भी हो, उनको हमेशा उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करना, उनके लिए कभी देश नहीं, चाहे किसी भी तरह से उन्होंने आपको ज्वाइन तो कराया है, तो बीइंग अकाउंटेबल टू योर सीनियर। आज जैसे मेरे को इस सिस्टम में लेके आने वाले मेरे दविंदर भाई हैं और सतेंद्र भाई हैं, मैं उनको हमेशा याद करता हूँ और मैं कहता हूँ अगर मेरे को, अगर इन्होंने इस जिंदगी में अगर कुछ बड़ा एक कहते हैं ना सेकंड इनिंग का मौका दिया तो उनकी वजह से आया हूँ। और मेरे प्रदीप भाई हैं जिन्होंने मेरे को देवेंद्र भाई से मिलवाया, देवेंद्र भाई ने मुझे विनोद स्वामी जी से मिलवाया और विनोद स्वामी जी ने मेरे को एक प्यारा सा ये परिवार दिया जिसकी वजह से आज काम करने का मजा आता है, पैसे तो हम कमा ही रहे हैं, हमारा उद्देश्य भी पूरा हो रहा है। अकाउंटेबल हो अपने टीम के साथ, आपके ग्रो लाइन के साथ, आपके पैरेलल लाइन के साथ, आपके क्रॉस लाइन, जो जो आपके सपनों में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उन सब का अकाउंटेबल होना चाहिए। आपको अपनी पत्नी का अकाउंटेबल होना चाहिए, अपनी मम्मी का, मदर फादर का होना चाहिए, आपके अपने बच्चों का, क्योंकि आपके वो ड्रीम में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर, अगर वो नेगेटिव है तो भी बहुत बड़ा रोल करते हैं प्ले, आपके दोस्त यार ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो रोल प्ले करते हैं। क्या रोल प्ले करते हैं? आपको आपका वर्चस्व लड़ने के लिए, आपका वर्चस्व को वापस लाने की पूरी कोशिश कराते हैं, क्योंकि आप और मजबूत होते हैं जब आपके आसपास का नेगेटिवनेस मिलता है ना आपको, आप खुद खड़े होते हैं और पॉजिटिव होकर काम करते हैं, फिर वो सब लोग डाइल्यूट हो जाते हैं, वो आपसे फिर मुलाकात करते हैं और कहते हैं हमें तो पता ही था कि हम आप बहुत बड़े काम करोगे। और उसके बाद माइंडसेट, माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए। आप कितनी अच्छी पर्सनालिटी हो, कितना बड़े पढ़े लिखे हो, अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव नहीं है तो दोस्त आपका उद्देश्य कभी पूरा नहीं होने वाला, ये लिख कर ले लो। आप अगर किसी भी चीज के लिए नेगेटिव हो, चाहे दोस्तों के लिए, चाहे रिश्तेदारों के लिए, चाहे भाइयों के लिए, चाहे किसी के लिए भी आप नेगेटिव हो, और अगर आपको माफ करने की आदत नहीं है तो जिंदगी में आप कामयाब नहीं होगे। ये मेरा अपना तजुर्बा है। कामयाबी सिर्फ पैसे से नहीं होती, शौहरत से नहीं होती, दौलत से नहीं होती। कामयाबी का मतलब है जब लोग आपको कामयाब समझे, जब लोग आपके पीछे आपकी तारीफ करें, उसे ही कामयाबी कहते हैं। तो पॉजिटिव माइंडसेट बनाना बहुत जरूरी है। मैं नहीं जानता, मेरे को नहीं पता कि 90% लोग हमेशा पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं, हो ही नहीं सकता। आपको उन लोगों का संगत छोड़ना पड़ेगा जो पॉजिटिव नहीं है। जिसने आकर ये बोला कॉइन का प्राइस तो नीचे जा रहा है, काट दो, डिलीट मार दो, सामने अपनी जिंदगी से बाहर कर दो। आपका सीनियर हो, चाहे आपका जूनियर हो, आपका पैरेलल हो, कोई भी हो, उसको जिंदगी से डिलीट कर दो। उसका आपके उद्देश्य से आपको भटकाने के अलावा कुछ नहीं है। वो खाक है, वो आपको खाक में मिलाना चाहता है। तो आपको अपने पॉजिटिव माइंडसेट के लिए पॉजिटिव लोगों से बात करनी पड़ेगी। कोई नहीं है आपके पास, YouTube में जाइए, पॉजिटिव चीजें सुनिए, आप पॉजिटिव होकर काम करिए और पॉजिटिव मेंटालिटी के लोगों के साथ काम करिए। अब क्या कहना चाहता हूँ ये पूरे एपिसोड के अंदर, प्लानिंग माय रोड मैप टू सक्सेस, प्लान करिए अपनी डायरी। अभी 10 दिन ही हुए हैं, कल 10 तारीख हुए, अपने पूरी डायरी के अंदर प्लान करें क्या करना पड़ेगा, वो मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा। लिव द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स, जिंदगी में अपने सपनों के लिए जिए। बी ब्रेव इनफ टू लिव द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स, इतना साहसी बनिए कि हर मुसीबत आपको कुछ ना लगे। अकॉर्डिंग टू योर विजन, आपका एक विजन होना चाहिए लाइफ में क्या बढ़ना है, पर्पस और एक रीजन होना चाहिए। विजन अलग होता है, रीजन अलग होता है। इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्ट मत करिए कि बहुत जल्दी सब कुछ स्मूथ होगा। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोसेस, एक मखमली बिस्तर नहीं है ये, आपको इट्स अ थॉर्न, देखना पड़ेगा आपको। एक्सपेक्टेशन और ओपिनियन, दुनिया में अपने जो माइंडसेट को चेंज मत करिए लोगों की राय सुनकर। और द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स, और जिनके फ्यूचर है वो उन्हीं लोगों के लिए बहुत बड़ा फ्यूचर होता है जो अपने ड्रीम्स को मजबूत रखते हैं और उनकी सुंदरता पे वो काम करते हैं। तो उस पे विश्वास करिए, अपने सपनों के लिए काम करिए दोस्तों। ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगला मैं जो पॉइंट दिखाने जा रहा हूँ, ड्रीम्स कैन बी अचीव्ड बाय फॉलोइंग 10 रूल्स। आपको अगर अपने सपनों को पूरा करना है,
आपको सबसे पहले अपनी मैच करनी पड़ेगी फ्रीक्वेंसी सक्सेसफुल लोगों के साथ। आपको अंबानी के लेवल पे सोचना पड़ेगा, वो सोचोगे कब, जब उनके वीडियोस, ऑटोबायोग्राफी, सक्सेस स्टोरीज को आप पढ़ेंगे, उनको सुनेंगे, तभी आप मैच कर पाए। रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़िए, अंबेडकर जी को पढ़िए, ये कितने हालात, बुरे हालात में आगे बढ़े हैं, महात्मा गांधी जी को पढ़िए। पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। 10 रूल आपके साथ, हमारी इंडस्ट्री में कामयाब होने के 10 रूल हैं। आपको अपना बिजनेस प्लान 5 लोगों को डेली बेसिस पे दिखाना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा, सूरज को आंख दिखाना पड़ेगा। सेकंड, आई विल वेक अप अर्ली मॉर्निंग, प्लान माय होल डे, यानी पूरे दिन की प्लानिंग करूंगा। सूरज को आंख दिखाना पड़ेगा, यानी कि सुबह सूरज से पहले उठना पड़ेगा। आई विल प्रमोट माय बिजनेस ऑन सोशल मीडिया ट्वाइस ए डे। अब इंडस्ट्री चेंज हो चुकी है, डायनेमिक्स चेंज हो चुके हैं, बिजनेस करने के तरीके चेंज हो चुके हैं। सुबह से लेकर शाम तक 2 मिनिमम पोस्ट, मैक्सिमम 3 पोस्ट करें। क्या हो रहा है लाइफ के अंदर, क्या बिजनेस में हो रहा है, एक होना चाहिए एजुकेशन, एक होता है कि आपका सेल्फ डेवलपमेंट। व्हाट्सएप स्टेटस लगाइए, फेसबुक पे अपडेट करिए, आप अच्छे अच्छे फोटो खींचिए, लगाइए, बट कैप्शन के साथ। कैप्शन मतलब कोई ना कोई आपके फोटो का मतलब जरूर लिखे। I will watch videos of training and education for 1 hour every day. एक घंटा निकालिए कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट के लिए। हफ्ते को डिवाइड कर लीजिए मोटिवेशन के लिए, हफ्ते को डिवाइड कर लिए इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, हफ्ते को डिवाइड कर लिए पब्लिक स्पीकिंग के लिए, हफ्ते को डिवाइड कर लिए। पूरे 7 दिन की प्लानिंग बनाइए। ये होता है डायरी में, कई लोग बैठ जाते हैं डायरी में लिखे क्या, ये नोट करिए। 7 दिन 7 ट्रेनिंग प्रोग्राम, किस किस का करना है अटेंड, ये देख लीजिए। आई विल टॉक टू एटलीस्ट 3 एग्जिस्टिंग क्लाइंट। आपसे नाराज यार दोस्त रिश्तेदार क्लाइंट, किसी से भी जो आपके छूट गए आपसे, या किसी कारण आप उनसे छूट गए, उनको मिलाइए फोन और नमस्कार करिए, उनसे बात करिए, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है ये देखिए। आपको बड़ा सुकून मिलेगा अगर उनकी लाइफ में अच्छा हो रहा है। अगर उनकी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। आई विल डेवलप ए न्यू स्किल और हैबिट एवरी डे। रोज नया कोई स्किल सीखूंगा, रोज कोई नया हैबिट एवरीडे बनाऊंगा। बुरी आदतें बना सकते हैं तो अच्छी आदतें भी बना सकते हैं, लेकिन आदत बनाइए। आज अगर 2 पेज पढ़ सकते हो तो 2 पेज पढ़िए, कल 5 पढ़िए, परसों 10 पढ़िए, हैबिट चेंज करिए, अपना लाइफ चेंज हो जाएगी। आई विल रिक्रूट 1 न्यू पर्सन एवरीडे टू मेक टू माई नेटवर्क का डेली कॉस्ट। जिंदगी में जब सुबह से शाम तक हम जो काम करते हैं, उद्देश्य एक होना चाहिए। एक आदमी को रिक्रूट करना है मुझे, चाहे टीम के, अपलाइन के, डाउनलाइन के, या खुद के, या खुद आप किसी को रिक्रूट करें। हमारे टीम के अंदर किसी को भी रिक्रूट करने के पैसे तो लगते नहीं है। पहले रिक्रूटमेंट करिए, फिर 3 दिन की ट्रेनिंग करिए उनके, उसके बाद पूछिए कि आप किस इंडस्ट्री। I will complete all important work for my business on time. काम को टालूंगा नहीं, ज्वाइनिंग के पैसे आए रोकूंगा नहीं, जल्दी से जल्दी फटाफट KYC टालूंगा नहीं, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, वॉलेट डाउनलोड नहीं कराऊंगा। अरे टालो मत, जो काम में इंपॉर्टेंट है उसी टाइम करिए। I will stick to my company at least for 5 years. 5 साल के लिए तो कंपनी के साथ जुड़ा रहूंगा, वट एवर इट टेक्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई विल ट्राई टू मीट न्यू पीपल, एड देयर नेम टू माई प्रोस्पेक्ट। अपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट को रोज बढ़ाता रहूंगा, और ये करते रहोगे कामयाबी आपके साथ रहेगी। और मैं चाहता हूं कि अब हमारे बीच में ये छोटा सा सेशन जो हमने किया, उस सेशन का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, मैं एक बार चैट बॉक्स ओपन करूंगा। और अभी मैं मोड चेंज कर देता हूँ वापस अपना। वाह, बहुत सारे लोगों ने देखा हमें, और ये रहा एक सेकंड के लिए। ललित सर ग्रेट, मैं चैट बॉक्स थोड़ा सा ओपन कर रहा हूँ। ललित सर का पहला कमेंट आ गया, देख लीजिए ये होती है लीडरशिप। और अब हमारे बीच में ललित सर हैं, और साथ साथ हमारा चैट बॉक्स ओपन हो रहा है। चैट बॉक्स में तमीज जरूर चाहिए, अगर तमीज नहीं है तो आप बदतमीज बने रहोगे, तो जिंदगी भर आपके साथ लाइफ बदतमीजी करेगी। जो मुझे लिखोगे वो तुम्हें पाओगे, ये भी मैंने बता दिया आपको। अब आप देख लीजिए कैसे लिखेंगे, क्योंकि अच्छे लोग और बुरे लोग दोनों हैं, दोनों को दोनों सम्मान मिलेगा। तो हम करते हैं पहले चैट बॉक्स ऑन, एक सेकंड के लिए मुझे सिक्योरिटी में चैट का ओपन करना है। आज का सेशन शाम का बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला, आज का सेशन शाम को नहीं होगा, आज 90 डेज गेम प्लान है डायमंड ग्रुप में। आप देखिए आज लगभग 6:30 बजे 90 डेज गेम प्लान एलेक्स रेनार्ड के ऑफिस से शुरू होगा ये काम। आज से 90 दिन हम लगातार सीखते रहेंगे,
तो यस ग्रेट दैट्स इट फैंटास्टिक। तो अपने बीच में हमारे ललित सर हैं जो डबल प्लेटिन डायमंड। आज का सेशन थोड़ा लंबा चला गया बट उद्देश्य वही है कि आप लोगों को ललित सर को होस्ट, ललित सर आप को होस्ट हो, आप अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे कॉल करने के लिए। और ये जो सर आपने पीपीटी दिखाई, इसमें तो आपने पूरा सार दे दिया सर, ड्रीम को लेके, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए रोज हमें क्या क्या करना है, डेली एक्टिविटीज क्या है, तो सर सब कुछ मिल रहा है सर यहाँ पे। और सर ये मैं महसूस कर रहा हूँ कि हमें ना, अगर हम देखें एक कंप्लीट पैकेज आपका मिलने के बाद कोई जरूरत नहीं है इसके अलावा, अगर हम कुछ और कोई भी कोई गुंजाइश नहीं बचती कि हम इसके अलावा कुछ और हम ज्यादा हमें चाहिए, क्योंकि ओवरडोज भी गलत हो जाती है। ये जो डोज है ये कंप्लीट डोज है, आपने एक ऐसा पैकेज हमारे लिए बनाया हुआ है, जैसे जब हम खाने का करते हैं ना किसी डाइटिशियन के पास जाके, तो वो कैलोरी को पूरा मेंटेन करके हमें पूरी डाइट का चार्ट देता है, वही चार्ट आपने हमें दिया है जिसमें पूरा आपने तय कर दिया है नए व्यक्ति को क्या करना है, ज्वाइन व्यक्ति को क्या करना है, डायमंड को क्या करना है और हमारे जैसी रैंक के व्यक्ति को क्या करना है। तो सर मेरी ये सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस मुहिम में आप थॉमस सर का, हम सब का साथ दें, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन पूरा इंडिया हमारे पीछे होगा, लेकिन वो तभी होगा जब हम लोग पूरी पॉजिटिविटी के साथ इन सब चीजों को फॉलो करेंगे। अभी सर ने जैसे चैट में बोला कि सब लोग बताएं आज का क्या है, तो सब लोगों ने बहुत अच्छा आंसर यहाँ पे दिया है। और सर ने एक चीज और पूछी थी कि अगर कोई व्यक्ति उल्टा सीधा भी डालता है तो वो अपने लिए डालेगा। साथियों मेरे सामने कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन लोगों ने यहाँ ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद जब तक पैसा आया बहुत अच्छा लगा, जिस दिन पैसा नहीं आया तो वो अपनी टीम को नेगेटिव करने लगे और अपनी टीम को साथ लेके उन लोगों को भी उल्टा सीधा बोलने लगे जो लोग यहाँ इस सिस्टम के ऊपर अच्छे से काम कर रहे हैं। धीरे धीरे रिजल्ट क्या आया कि उनकी टीम ये देखती चली गई, यार ये हमारा अपलाइन तो सिर्फ लोगों में कमियां निकालने में ही रह गया और दूसरी टीम अपने अपलाइन के साथ मिलकर कामयाब हो गई है। तो आज वो अपलाइन उन टीम की नजरों में भी कहीं ना कहीं विलेन बन चुका है। तो इसलिए मेरे भाइयों ऐसा ना करें, कल को 6 महीने बाद जब आपकी टीम देखेगी कि हम तो इस व्यक्ति के चक्कर में आके हमने अपना फ्यूचर खराब कर लिया, जबकि जो लोग सिस्टम के साथ कनेक्ट रहे वो आगे बढ़ते चले गए। तो मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है साथियों, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर व्यक्ति को कामयाबी की तरफ लेके जा रहा है। और आज जब सुबह सर ने वीडियो चलाई थी तो वहां पे हमने एक चीज सुनी थी उनसे, उन्होंने जब उसमें बता रहे थे वो कि एक व्यक्ति वो होता है जो परिस्थितियों के हिसाब से काम करता है और एक व्यक्ति वो होता है जो अपने हिसाब से परिस्थितियों को चेंज कर देता है। तो दुनिया में साथियों कामयाब वही व्यक्ति है जो व्यक्ति परिस्थितियों को चेंज कर दे। आज हमारे बीच बहुत सारे एग्जांपल हैं। अभी हमारे जो फौजी सर हैं उन्होंने सुबह बताया कि वो ऐसे हालात में पैदा हुए, ऐसे हालात में पढ़े कि उनके पिताजी को ब्याज पे पैसा लेके उनको पढ़ाना पड़ता था। उनके पिताजी ने जितनी फसल आती थी उसमें ब्याज का भी पूरा नहीं होता था, लेकिन उन्होंने कसम खाई किस चीज की, परिस्थितियों को बदलने की। साथियों ये सब चीज मैंने भी फेस की है, जब मैं यहाँ आया मेरे पास कुछ नहीं था। तो आज साथियों हम और आप यहाँ क्यों आए हैं, परिस्थितियों को चेंज करने के लिए। और जब परिस्थितियों को चेंज करने की तरफ हम लोग चलते हैं तो साथियों ताकत लगती है, उसमें जोर लगाना पड़ता है। तो मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन बदलाव में अपने आप को खड़ा रखिए और फिर देखिए जीवन में कितना बड़ा काम होता है। आज आपको एक ऐसा सिस्टम मिला है जहां आपको एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आप गरीब हैं कोई मतलब नहीं है इस चीज से, सब लोग बाएं पलाए खड़े हुए हैं, आप आओ बिना पैसे के आओ। कंपनी ने भी 1 महीने का मौका दिया है बिना पैसे के कि पहला महीना बिना पैसे के आ जाओ, बस यहाँ अनुभव लो, सीखते जाओ, मेहनत करो, 1 महीने में इतना आप यहाँ से सीखते सीखते कर जाओगे कि अगले महीने अपने पैकेज को बाय कर सको, अपने पैकेज को खरीद सको। तो साथियों मैं ईश्वर का इतना धन्यवाद 24 घंटे में करता हूँ, हे प्रभु कितने पुण्य कर्म मैंने किए होंगे जो मुझे फल के रूप में ये प्लेटफॉर्म मिला और आप जैसे भाई बहन मिले, थॉमस सर जैसे लोग मिले जिन्होंने हमें यहाँ चलना सिखाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आज वो जो रोल वो निभा रहे हैं आप सोचिए उनकी ड्यूटी है ये नहीं है, मैं तो सोच रहा हूँ यार माइंड सेट क्या है थॉमस सर का, कोई मतलब नहीं, कोई वास्ता नहीं। वो भी चाहे तो अपनी टीम को कितना बाखूबी मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, उनकी अपनी टीम भी बैठती है और अपनी टीम से
कई गुना ज्यादा औरों की टीम में बैठती है। और एक चीज गारंटी से बताऊं, उनकी टीम का व्यक्ति उनको कुछ नहीं बोलता, उनको कहने वाले भी वो लोग हैं जिनका कोई मतलब वास्ता नहीं है। अगर थॉमस सर उनसे पूछ लेना ईमानदारी से कि भाई मुझे क्यों कह रहे हो, मैंने ज्वाइन कराया था क्या, मैंने प्लान दिया था क्या, अरे मैं तो मदद कर रहा हूँ आपकी, मैं कोई आपसे सैलरी नहीं ले रहा, कोई फीस नहीं ले रहा हूँ, अपनी एनर्जी लगा रहा हूँ, अपना दिमाग लगा रहा हूँ, आपको समय दे रहा हूँ अपना, लेकिन नहीं, वो फिर भी सुनते हैं इसमें। सर मैंने कर दिया म्यूट उनको। कौन थे सर? राजपुर, राज राजपुरोहित कुछ ऐसा करके नाम था। राजपुरोहित जी, वो गलती करेगा। चलिए कोई बात नहीं सर, हो जाता है सर जी। तो साथियों मैं कह रहा था कि आज हम शुक्रगुजार हैं थॉमस सर के, उन्होंने एक मुहिम चलाई कि सब लोगों को एजुकेशन देंगे और एजुकेशन देकर उनको आगे लेके चलेंगे। साथियों आज पूरे विश्व के अंदर इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम, इतना बड़ा खुद का सिस्टम, यानी हमारा जो प्लेटफॉर्म है, जो एलेक्सा की टेक्नोलॉजी है, वो खुद में इतनी मजबूत है, और ऊपर से हमारे अपलाइन हमें ऐसे मिले हैं जिन्होंने एक ऐसा एनवायरमेंट हमारे लिए बना दिया है जहां हम बिना रुकावट के बड़ा काम कर सकते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, सारी नकारात्मकता दूर करके अब आप सिस्टम के ऊपर आ जाओ और एक टारगेट बना लो कि अगले 2 महीने में मुझे ये रैंक अचीव करनी है, अगले 2 महीने के अंदर मुझे अपनी टीम के अंदर इतनी रैंक अचीव करानी है, और फिर देखिए आप कितना बड़ा काम होता है। और उसके लिए एक काम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपना फोकस पूरे तरीके से काम के ऊपर करना पड़ेगा, और जब काम के ऊपर आप फोकस करोगे तो फिर आप देखना ये जो दाएं बाएं की बातें है ना, ये आपके कानों में जाएंगी। तो मैं तो थॉमस सर के लिए दिन रात प्रार्थना करता हूँ, कल थॉमस सर का जन्मदिन था। थॉमस सर पूरी कम्युनिटी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई है, और कल उम्मीद करते हैं आपने पूरा एंजॉय किया होगा फैमिली के साथ जी। और अगले बार जब आपका जन्मदिन होगा तो हम चाहेंगे उसको भव्य रूप से मनाएंगे, पूरी कम्युनिटी वहां पहुंचेगी, क्योंकि आज आपको पता नहीं है आपके शब्दों से आज कितने लोगों का जीवन बदल रहा है, कितने लोगों को नई राह मिल रही है, नई उम्मीद मिल रही है। थॉमस सर मैंने ये नोट किया अपने जीवन के अंदर भी, बहुत बड़ी कमी होती है हमारे जीवन के अंदर एक पुश की, एक अप्रिशिएशन की, क्योंकि पूरी दुनिया सर लगी पड़ी है किसी को थोड़ा बता के तो देखो कि भाई मैं बड़ा काम करना चाहता हूँ, सामने से देखो 10 में से 9 लोग आपको नेगेटिव कर देंगे, अरे भाई रहने दे कुछ नहीं होता मेरे भाई, हम तुम सब लोग इस काम के लिए नहीं बने हैं, हम तो मेहनत मजदूरी करने के लिए बने हैं। एक आप जैसे लोग यहाँ मार्केट में आते हैं और लोगों को पुश करते हैं, नहीं भाई तुम भी 200 करोड़ रुपए कमा सकते हो, तुम भी करोड़ रुपए महीना कमा सकते हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मैंने थॉमस सर ये नोट किया है कि केवल दिमाग को कमांड देने की जरूरत है, हम बचपन से दिमाग को कमांड ही दे रहे हैं केवल 20-30 हजार रुपए की, हम बचपन से दिमाग को कमांड ही ये दे रहे हैं कि यार तू तो जन्मा ही है संघर्ष के लिए। आज एक आपके शब्द या जितने भी आज हमारे अपलाइन, जितने भी हमारे यहाँ जो अचीवर हैं, उनके शब्द जब कानों में जाते हैं ना, नहीं जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, एक बार सोच के देखो उस चीज को, वो कितना बड़ा काम करती है। और आपको पता है थॉमस सर भी कहते हैं और दीपक बजाज सर भी कहते हैं कि आपके शब्द आपका संसार बनाते हैं। अभी थॉमस सर उसको इंग्लिश में बताएंगे मेरे मैसेज के बाद में। तो ये वर्ड, यस यस, द वर्ड क्रिएट द वर्ल्ड, ये कितना अच्छा सेंटेंस है। तो जब अभी हमारे दिमाग में अगर 24 घंटे ही आए, नहीं मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, इसको तो थॉमस सर ही कर सकते हैं, मैं तो इस काम में बर्बाद हो जाऊंगा, मैं तो इस काम में बर्बाद हो गया, तो क्या होगा साथियों, यही जो शब्द हैं यही दुनिया बना देंगे हमारी, यानी हम बर्बाद ही हो जाएंगे, हम कर ही नहीं पाएंगे। तो साथियों जब सोचना ही है तो कुछ अच्छा सोच लो ना, वो एग्जाम्पल देखा होगा ना थॉमस सर भी देते हैं। एक बार मैंने देखा था मीटिंग में कि एक व्यक्ति बैठा हुआ था, भूख लगी हुई थी, तो उसने उसको किसी ने कहा कि यार सोच ले, तू सोच में ही खाना खा ले, तो वो सोच में खाना खाने लगा, तो एक व्यक्ति वहां से थॉमस सर जैसा गुजर रहा था, तो थॉमस सर ने पूछा भाई क्या कर रहे हो, कि भाई भूख लगी है खाना खा रहा हूँ। क्या खा रहे हो भाई, कि भाई मैं तो जो है चटनी से रोटी खा रहा हूँ। तो थॉमस सर ने कहा भाई शाही पनीर से जब सोचना है तो शाही पनीर से सोच लेता, तो यानी कि हमें सोचने में भी प्रॉब्लम है। तो आज से सबसे पहला काम क्या करना है, एक सोच को पॉजिटिव बनाओ कि जब यहाँ यस सर, थॉमस सर, अब मेरा भी एग्जांपल ले सकते हैं, हमारे फौजी सर, आकाश भाई, बहुत सारे नाम है यहाँ, जब ये लोग कामयाब हो सकते हैं तो मैं भी पक्का हो सकता हूँ। क्योंकि साथियों प्लेटफॉर्म ने वही अधिकार थॉमस सर को दिया है और वही अधिकार उस व्यक्ति को दिया है जो रात ज्वाइन हुआ है या सुबह ज्वाइन हुआ है, प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई भेदभाव नहीं है। जो रैंकिंग सिस्टम बनाया गया है ये इसलिए बनाया, एक सपोर्ट सिस्टम है कि ताकि हमें लोगों को सपोर्ट मिले एक दूसरे से।
तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आज शाम का जो सेशन है 90 डेज वाला, उसमें जरूर आएं, क्योंकि उससे बहुत बड़ा काम आपकी लाइफ के अंदर होने वाला है। ये एलेक्स सर की खुद की प्लानिंग है, और जो थॉमस सर, यस सर और बहुत सारे ग्रेट लीडर हैं इंटरनेशनल लेवल के, हमारे जो सबके अप्लाई ना इलियास सर, वो भी उसमें आएंगे। तो आज शाम को थॉमस सर प्लीज आप उसका मेरे मैसेज के बाद टाइम भी बता देना सर लोगों को, मैं अब ओवर करता हूँ। बहुत बहुत 6:30 सर इंडियन टाइम वो वहां पे 5 बजे है, यहाँ पे ठीक ठीक ठीक। तो थॉमस सर ने बता दिया है कि शाम को 6:30 हम सब लोग आज थॉमस सर, यस सर, हमारे इलियास सर, इन सब के साथ उस सेशन को अटेंड करेंगे, जिसके अंदर एक ऐसी पीपीटी तैयार की गई है जो पूरे विश्व के लिए सेम होगी, और उसके अंदर हमें बहुत सारी और प्लानिंग भी देखने को मिलेगी, और जिसको फिर हम थॉमस सर के साथ प्लानिंग करके उसको हम अपने ग्रुप के अंदर अप्लाई करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सोमच सर, अब आप प्लीज कंटिन्यू करें। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर मोटिवेशनल वर्ड, और जैसे कि ललित जी ने आपको बताया कि वर्ड अपने शब्दों का इस्तेमाल, उसमें अभी चैट बॉक्स के अंदर कुछ अच्छे लिख रहे थे, कुछ बुरे लिख रहे थे, बुरे को बुरा मिले, अच्छे को अच्छा मिले, ये तो हम क्या भगवान भी कहते हैं। तो आपके साथ गलत क्या हुआ, आप इतने नकारात्मक क्यों हुए, इसके कारण हो सकते हैं, आपको बाउंस बैक करने का मौका दोबारा है, कंपनी के सिस्टम के साथ जुड़े रहिए, कुछ भी गलत नहीं हुआ, समय के हिसाब से हमें अपने पैतरे बदलने पड़ते हैं। एलेक्स रेनार्ड ने सिर्फ समय के हिसाब से पैतरे बदले, उन्होंने 1,00,000 पे आपको कॉइन दिया था, आपने उसको जीरो कर दिया, अब उनको 1 साल चाहिए ताकि वापस उस जगह पर उस कॉइन को पहुंचा सके। तो आज का सेशन हम शाम का में भी नहीं रख पाएंगे, क्योंकि हमारे 6:30 दुनिया के टॉप लीडर्स एक डेन हमारे पास कंपनी की तरफ से एक डेन के रूप में एक 3 लोगों ने एक कंपनी बनाई है जो हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देंगे। देखो नीरज चोपड़ा को आज ओलंपिक मेडल जीतने के लिए उन्होंने अपने कई कोचेस बदले हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कोचेस पहले लोकल थे, फिर नेशनल हुए, फिर इंटरनेशनल हुए, फिर उसके बाद जो टॉप था जिन्होंने अपने आज तक के जैवलिन थ्रो में आज तक का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, उनको अपना कोच बनाया। तो हमें भी ऐसे ही करना है समय के साथ। मैं तो क्या हूँ, बहुत छोटा सा हूँ, मैं आप लोगों को सिर्फ आपको आईना दिखा रहा हूँ, दर्पण दिखा रहा हूँ, आपने देखना है कि आपको क्या बनना है। बड़े बड़े कोचेस हैं वो हमारे टीम में आने वाले, अब इंटरनेशनल लेवल के 3 कोचेस और बहुत सारे सीनियर्स आप लोगों को ट्रेनिंग देंगे, कामयाबी का रास्ता बताएंगे। आपने इस सिस्टम के साथ रहना, अगले 3 महीने के अंदर बड़ा काम होने वाला है। लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपना पोटेंशियल पता होना चाहिए, वो पोटेंशियल आपके सामने आने वाला है। तो इसके साथ मैं अपना ये वीडियो बंद करता हूँ, आज का सेशन खत्म करते हैं, शाम को 6:30 मिलते हैं, और ग्रेट सेशन रहेगा। इलियास पापे जैसे बड़े लीडर जिन्होंने 3+ प्लैटिनम डायमंड अचीवमेंट दी है, उन लोगों के साथ हम कुछ नॉलेज का साझा करेंगे, और आज का दिन आपका शुभ रहे, बढ़िया रहे, प्रोडक्टिव रहे, और आप अपने ड्रीम्स के लिए काम करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।